ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਪਨੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪਨੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਜੋੜੇਂਗੇ ਪਲ ਪਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਹਿ ਜਾਏਂਗੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ
हेलो 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 ओके ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड आफ्टरनून। इतनी ज्यादा एनर्जी, ओ भाई साहब, मन खुश हो गया ना, लायको हद हो गई यार। वी आर मीटिंग आफ्टर 2 डेज, नो एक्साइटमेंट, नो एनर्जी, नथिंग। भैया आज तो तुम्हारा दिन है यार, है या नहीं यार? मतलब बड़े हो गए, भूल गए, विश नहीं किया किसी ने? चलो एक बार गुड मॉर्निंग करते हैं। चलो, वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ओहो, ओके, बच्चे ही हो तुम सब, ऑब्वियसली यार। और क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग बड़े हो गए हो? नहीं, जिंदगी ने बड़ा कर दिया है। हाँ, ऐसा भी नहीं है। ओके चलो, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ यार लाइव। आज हमारी क्लास लेट हो गई, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी मेरे को भी। ओके थैंक यू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके ओके, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। जल्दी 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 जल्दी। ओके, कल मैंने ना आप लोगों के लिए चॉकलेट्स लेके रखी थी, फेस टू फेस वाले बच्चों के लिए। सो कल ही मैं घर से घर कल मैं जस्ट अभी घर से आई, तो मैंने कल मंच ले ली कि चलो फेस टू फेस बच्चे जाएंगे, जो होंगे आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक है। एंड देन जैसे मैं घर आई, माई सिस्टर सेड, ये किसके लिए लाई है? आई सेड अब बच्चे को देने, मैं भी तो बच्ची हूँ। अच्छा, मैंने कहा चलो ले ले, कितनी? एक लेने, कहती नहीं दो, ठीक है बात खत्म। फिर उसके बाद रात को आई डोंट नो सडनली उठी, दो और खा गई। सुबह बोलती चिल्ड्रंस डे आज तो, मैंने कहा कल 4 तो दे दी थी, अरे और भी तो, आज तो चिल्ड्रन डे है। अच्छा उतने में उसको दी, फिर उसकी फ्रेंड आ गई, ये भी तो चिल्ड्रन है भाई। ऐसे करते करते सारी, फिर जो लास्ट में बची थी वो मैंने खा ली, मैं भी तो चिल्ड्रेन हूँ। ओके क्यों भाई, चलो ओके तो हाँ भाई सारे खत्म यार, बताओ। चलो 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 चलो, नहीं यार मैं बहाना लगा रही हूँ, कैसी बात करते हो अभिषेक यार, तुम इतना पहचानते हो मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, चलो करें क्लास स्टार्ट फिर। अच्छा मैं टेक्स्ट की मैराथन कर ली जोरों शोरों से, अटेंड आ गया मजा? कंपनी लॉ के लिए रेडी हो? 16 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुबह 7 से शाम को पूरे के पूरे 20 मार्क्स आपके सिक्योर होंगे उस दिन, पूरे के पूरे 20 नंबर। लाइक विल ट्राई आर बेस्ट कि उस दिन हम प्रॉपर 20 नंबर का कवर कर ले, राइट? और जिस 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 बच्चे को फेस टू फेस आना है ना, लाइक वो गूगल फॉर्म फिल करें। और गूगल फॉर्म कौन फिल कर रहा है? उत्तराखंड रहने वाले बच्चे, वाराणसी रहने वाले बच्चे, वो उनके लिए जो फेस टू फेस आना चाहते हैं ना, लाइक को हर एक को फिल नहीं करना। नाइट प्लान ना लाइक, यहाँ क्लबिंग हो रही है जो नाइट में मैराथन रखे, हद कर दी यार तुमने, ठीक है। बाकी ओके करें यार, शेयर कर दिया करो चीजें, ठीक है। मैं तुम्हें भेजूंगी वो थंबनेल, वो पोस्टर शेयर कर देना उसको, कुछ किसी काम तो आओ तुम लोग। हाँ, जिस जिसको फेस टू फेस आना उस उसको फॉर्म भरना है बच्चे। ओके चलो करें क्लास स्टार्ट, आइए। पेज नंबर बताना बच्चे, 249। ओके, एक चिंद, ये क्या हो गया? भैया को बुलाओ। ओ धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद धन्यवाद। नोट्स पहले ही, मेरे को तो प्रॉब्लम है ही नहीं यार, हद होगी। मेरे को तो कहोगे रात को 2 बजे मैराथन ले लो, मैं तो 2 बजे भी ले लूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सबके लिए भैया, वो शो नहीं हो रही स्क्रीन, पेजेस शो नहीं हो रही। चलो आइए, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, दैट इज सीएसआर। व्हाट? सीएसआर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 नंबर जेब में तुम्हारे, जैसे डिबेंचर्स के 5 नंबर थे, डिपॉजिट्स के 5 नंबर थे, सीएस एक्ट के 5 नंबर थे। मेगा फॉर्म्स, मेरे को सच सच बताना यूट्यूब वाले बच्चों, मेगा फॉर्म्स देखा तुम सबने? देखा है मेगा फॉर्म्स?
हाय नो शर्म आती है। 2 दिन क्या किया तुमने, मुझे एक बात बताओ क्या किया क्या है 2 दिन? हाँ जी हाँ, तो था जान के नहीं दिया था मैंने बिल्कुल, और खुद तो मेहनत करो कुछ। अच्छा समझ आ गया, जिस जिसने देखा है इजी था यार, नहीं है शिवानी? अच्छा जिसने देखा है समझ आ गया। ओके एक दिन मैराथन ली अगले दिन सोए, एक दिन 12 घंटे पढ़ ली अगले दिन 12 घंटे सोए, ग्रेट। तुम्हें भी ज्यादा पढ़ाई बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है ओके 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 चलो चलो ओके थोड़ा बहुत मैम ओके। पर मेरे बच्चे प्लीज वो मेगा फॉर्म्स वाला देख लेना, अगर टाइम बचता है तो ऑब्वियसली मैं आपको दोबारा करवा दूंगी, बट उसको एक बार देख लेना ठीक है। एक आई गेस 1.5 घंटे की वीडियो है सारी यार, उसको भी तो 1.5x पे करके हो गए तो 45 मिनट में खत्म यार। मैं मेरा मेरा 1.5 पे आराम से देखा जाता है, तो मेरा क्या 2.5 पे कर, 0.25 पे करके देखते हो, हद कर दी यार। नॉर्मल स्पीड ही बहुत है, ये भी शेख बोलता है मैम 2x पे करके देखते हैं, ये ना लायक। चलो आओ हो जाता है मेरे बच्चे ध्यान, आइए करते करते। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 मार्क्स पक्के लिख लो ना, 5 मार्क्स पक्के। आइए मेरे बच्चे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, सेक्शन कौन सा है इसका? सेक्शन 135, सेक्शन 135। सेक्शन 73 किसका है ब्रो? 73 डिपॉजिट्स, सेक्शन 73 डिपॉजिट्स। और निखर के आओ, और निखर के। डिपॉजिट्स प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक 76, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक 71, डिबेंचर्स 71, डिबेंचर्स याद है सेक्शंस, थोड़े से हैं दिमाग में, छोटी बुद्धि में हैं सेक्शंस। आइए मेरे बच्चे आज कौन सा सेक्शन कर रहे हैं? 135, 135, इट्स 135, राइट। सेक्शन कौन सा कर रहे हैं? 135, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेट, व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट मींस कंपनीज, कॉर्पोरेट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? कंपनीज। सोशल का मतलब, सोशल का मतलब, सोशल का मतलब लोग बेसिकली, सोशल का मतलब समाज, लोग। ये समाज किससे बनता है? लोगों से ही तो बनता है। अगर लोग, कुत्ते बिल्लियों का समाज होता है? उनकी कम्युनिटी तो नहीं होती ना, तो समाज किससे बनता है? बेसिकली लोगों से बनता है। ओके एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तुम्हारा फर्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तुम्हारा फर्ज। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने ना सुना होगा कि अगर मान लो किसी के पास पैसे हैं, वो कोई अच्छा काम नहीं करता तो घर वाले क्या बोलते हैं? अरे वो तो बड़ा घमंडी है, उसमें तो बड़ी ईगो है, एक दिन देखिए भगवान इसको सबक सिखाएगा। सुनने को मिली ऐसी बातें? नहीं मिली कि यार ये तो बड़ा घमंडी है। अच्छा घमंडी क्यों है? क्योंकि वो, उसके पास पैसा तो है पर वो पैसा सोसाइटी पे खर्च नहीं कर रहा। अब देख देखो जाने अनजाने में कि हम सब सोसाइटी की मदद लेते हैं यार, तुम भी तो सोसाइटी हो, मैं भी तो सोसाइटी हूँ, यस और नो? अब तुम कंपनी लॉ की क्लास ले रहे हो, कहां से ले रहे हो? सोसाइटी से। मैं कंपनी लॉ की क्लास दे रही हूँ, किसको दे रही हूँ? सोसाइटी को। अगर हम सोसाइटी में ना हो तो ऑब्वियसली हम अपनी लिविंग तो अर्न कर ही नहीं सकते, तो जब हम सोसाइटी से ले रहे हैं कि हमें सोसाइटी को देना भी चाहिए, यस और नो? और जो चिल्ड्रंस डे आए, चिल्ड्रंस डे में तुम्हें एक क्रीम फिल्स की टॉफी दे दी, ये क्या है? सोसाइटी तो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल कर रहे हैं, यस और नो? तो क्या कंपनी को भी करनी चाहिए? भाई अब गोलमो है, गोलमो जैसी कंपनी 1 महीने का 100 करोड़ कमाती है, कमाती है। सेल्स टर्नओवर 100 करोड़ नहीं है, प्रॉफिट 100 करोड़ है। 1 महीने का गोलमो का प्रॉफिट कितना है? 100 करोड़। अब भाई दुनिया भर के लोग गोलगप्पे और मोमोज खा के जाते हैं, यू नो मेयोनीज मांग के जाते हैं, तभी तो 100 करोड़ आ रहा है, अदरवाइज कहां से आए 100 करोड़? क्या मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको फ्री मेयोनीज दूं? यार ये भी तो CSR ही है, हद कर दी तुमने, ये भी तो CSR है, ये सुन लो। तो क्या कह रहा है, CSR है क्या? CSR इज समथिंग दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट, बिकॉज कॉर्पोरेट रिसोर्स किसके यूज कर रही है? सोसाइटी के। तो जब एक कॉर्पोरेट अच्छी चलने लगती है तो मेरे को एक बात बताओ, उसका फर्ज नहीं बनता सोसाइटी को कुछ देने का? अब मेरे को एक बात बताओ ध्यान से, अब तुम्हारे घर वाले तुम्हें सुबह 15 रुपए के देके भेजते हैं कि जा भाई तू क्लास जा रहे है, जाके नाश्ता कर लियो, या दोपहर को भूख लगे तो कुछ खा लियो। 15 रुपए कितने भाई? पोहा भी भीज का आता है, पर लेट अस सपोज 15 रुपए देके तुम्हें भेजते हैं,
रास्ते में तुम्हें यू नो एक बेगर मिल गया, रास्ते में तुम्हें क्या मिल गया, कहता बाबूजी खाने के लिए कुछ दे दो, तुम क्या कहोगे उसको, अच्छा मिलके मांगते हैं या जो 15 रुपए उनमें से 5 रुपए दे दोगे? भाई देखो मेरे को एक बात, तुम्हारे पास 15 रुपए है ठीक है खाने के लिए खुद के, बेगर आता है कहता है कुछ खाने के लिए चाहिए पैसे दे दो, तुमने क्या किया 15 में से 5 रुपए उसको दे दिए, ठीक है खुद मरो भूखे फिर। भाई दूसरों को भी तो तभी दोगे जब तुम्हारे पास सफिशियंट है। मेरे को एक बात बताओ, खुद तो तुम्हारे पास पोहा खरीदने के पैसे नहीं है, उसको 5 रुपए देके तुम क्या जताना चाहते हो? मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो यार, तुम इतना इमोशनली मत सोचो। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास खुद के पास कम पैसे, दूसरे को मैं कहां से पैसा दे दूंगी? दूसरे को तो मैं पैसा तब भी दूंगी ना जब मेरे पास खुद के पास सफिशियंट है। और मैं इंसान इज लाइक कि खुद के पास सफिशियंट भी है फिर भी मन ही नहीं करता किसी और को पैसा देने का। तो भाई जब मेरे पास ही कम है मैं दूसरे को क्यों दूंगी? यस और नो? अगर तुम दे रहे हो तो तुम नो वर्ड्स, ठीक है? बट द थिंग इज, आप किसी और को हेल्प कब ऑफर करोगे? जब आपके पास चीज एविडेंस में 4 स्लाइस है पिज्जा की, भाई 3 खा के तुम्हारा पेट भर गया, तभी चौथी किसी और को दोगे? यस और नो? मैम पिज्जा तो हम चाहे मन ना होगा फिर भी खा लेंगे, पर किसी और को नहीं देंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो मतलब ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ये छुटकू छुटकू कंपनीज को करनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज को करनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, क्योंकि भाई छोटी कंपनी के पास तो खुद पैसे नहीं है। यस और नो? तुमने देखा होगा पार्क होता है, बेसिकली लिखा होता है मेंटेन्ड बाय दिस, मेंटेन्ड बाय दिस। आप कुरुक्षेत्र में ना MBA चाय वाला खुला है, तो वहां पे ना एक पार्क है, बेसिकली होता है ना कम्युनिटी पार्क या सेक्टर्स में होता है, तो उसके बाहर ना डस्टबिन है, जो डस्टबिन होता है ना उस पर लिखा हुआ है कि दिस इज मेंटेन्ड बाय MBA चाय वाला। पार्क नहीं, पार्क के बाहर जो डस्टबिन है उस पे ऊपर पे क्या लिखा होता है, मेंटेन दिस मंथ मेंटेन्ड बाय MBA चाय वाला। अच्छा क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रही है, पर साथ ही साथ क्या उनके जो फर्ज हैं सोशली वो पूरे कर रहे हैं? ऑब्वियसली वो अलग बात है, वो कंपनी है, टर्नओवर वो अलग बात है। बट क्या मेरे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ही CSR कर सकती है? तो मेरा सवाल ये है कि यार बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? यहां तक ठीक है, सबसे पहली बात उसको छोड़ो। अब CSR का सेक्शन कौन सा? CSR का सेक्शन 135। अच्छा डिपॉजिट के साथ कौन से रूल्स पड़े थे? कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स। डिबेंचर्स के साथ कौन से रूल्स पड़े थे? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। ये कौन सा? CSR। इसके साथ कौन से रूल्स पड़ेंगे? कंपनी CSR रूल्स। कौन से रूल पड़ेंगे? कंपनी CSR रूल्स। अच्छा मेरे को क्या पढ़ना है, एक तो सेक्शन 135 और एक CSR। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही आज मैं, ठीक है आइए। बिल्कुल राधिका भी सोच रही थी आज राधिका ने अपना ज्ञान हमें दिया क्यों नहीं। सेक्शन 127 135 एंड कंपनी CSR रूल्स 2014। भाई देखो ऑब्वियसली CSR इज द वे कंपनीज मैनेज देयर बिजनेस टू प्रोड्यूस एन ओवरऑल पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी थ्रू सोशल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ऑब्वियसली आप कुछ, यार तुम कुछ भलाई का काम करोगे, मेरे को एक बात बताओ, तुम कुछ भलाई का काम करोगे तो तुम्हें ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी ना। तो जब कंपनी CSR करेगी क्या पॉजिटिव इंपैक्ट ही क्रिएट होगा? वैसे हाई चांसेस। CSR में से क्वेश्चन किस तरीके से आता है मेरे बच्चे? CSR में से क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, ठीक है कि 2% कितना है, 1% कितना है, ओवरहेड्स कितने हैं, फलाना ढिमकाना। पर अगर एक बार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि CSR क्यों करना चाहिए, CSR ये CSR वो, तो क्या बना के लिख लोगे ना अपने आप? लिख लोगे ना? देखते हैं, आइए। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी मतलब किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी मतलब किन किन कंपनी पे एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल ऑन अ प्राइवेट कंपनी जिसकी नेटवर्थ, एप्लीकेबल ऑन अ प्राइवेट कंपनी, एप्लीकेबल ऑन अ प्राइवेट कंपनी, एप्लीकेबल ऑन अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट लिखा है, हेलो पब्लिक लिखा है, क्या लिखा है? एवरी कंपनी। क्या लिखा है? एवरी कंपनी। क्या लिखा है भाई? ये तो तुम एक तो चैट बॉक्स में तुम अपनी ये मारते रहो, गॉसिप्स करते रहो, जनानिया हो क्या तुम? मेरे को एक बात बताओ, हैं जनानिया हो तुम? टिका नहीं जाता तुमसे। CS में अपीलेट अथॉरिटी वाला रह गया, ओके वो करवा देंगे मेरे बच्चे, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना इंपॉर्टेंट था मोर देन बिना फैजो तुम्हें करवाया गया। आइए पब्लिक कंपनी, हेलो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी,
एवरी कंपनी, एवरी मतलब सारी कंपनी, सारी की, एवरी मतलब सारी की, एवरी कंपनी, एवरी कंपनी नेटवर्थ कितनी है ब्रो? 500 करोड़ या मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा। दोबारा से नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, 1000 कितनी है 1000, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, दोबारा से नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा ही तो है, ठीक ही तो बोला है। मेरे नेट प्रॉफिट 5 ही बोला मेरे बच्चे शिवानी, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी। चलो ठीक है, आइए, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक है, एंड और है बीच में, और मतलब इन तीनों में से अगर तुम कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, इन तीनों में से अगर तुम कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो चुपचाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देना, तो चुपचाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देना। अच्छा कब? जब या तो तुम्हारी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर हो, या तुम्हारी टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर हो, या तुम्हारा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर हो। सवाल मेरा ये आता है कि ब्रो ये जो तुम देखोगे 500, 1000, 5, ये कौन से साल में देखोगे? इस साल में, पिछले साल में? ऑब्वियसली पिछले साल में देखोगे ना, इस साल देख के क्या करोगे? ये देखोगे कि पिछले साल है तो इस साल करना है, हाँ या ना? पिछले साल अगर मेरी नेटवर्क 600 करोड़ है, या पिछले साल मेरी टर्नओवर 1200 करोड़ है, या मेरा प्रॉफिट 600 करोड़ है, तो क्या इस साल मेरे को सीएसआर करनी है? यस और नो? यस, क्लियर है यहां तक? अब मेरे को एक बात बताओ ध्यान से, शादी में इवेंट प्लानर्स आते हैं या जो भी होता है, घर के बड़े लोग मिलकर डिसाइड करते हैं ना कि शादी बड़ी करनी है छोटी करनी है, पैलेस कौन सा बुक करना है, पैलेस बुक करना, दूल्हा दुल्हन तो खुद जाते नहीं है ना, घर वाले जाते हैं ना, भाई कौन सा पैलेस बुक करना है, कौन सा खाना आएगा, कमेटी होती है, कमेटी, यस और नो? कमेटी होती है। वैसे ही जब मेरे को सीएसआर करना है तो कमेटी बनाने की जरूरत है या नहीं? कमेटी बनाने की जरूरत है कि नहीं है? वो कह रहे कि ब्रो देख, अगर तेरा सीएसआर एक्सपेंडिचर 50 लाख से ऊपर जाता, कितने से ऊपर, तो तेरे को क्या बनानी है? एक सीएसआर। दोबारा से। अच्छा 50 लाख से ऊपर जाता तब सीएसआर करना है या तब सीएसआर कमेटी बनानी है? अच्छा मेरे को सीएसआर करना कब है ब्रो? सीएसआर करना कब है? या तो मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ है उससे ऊपर, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर। जब मेरी एक भी लिमिट एक्सीड हो गई तो पिछले साल में, तो इस साल मेरे को सीएसआर करना है। सीएसआर करने के लिए क्या कमेटी भी बनानी पड़ेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआर करने के लिए क्या बनानी पड़ेगी? तो वो कह रहे कि हर केस में सीएसआर कमेटी बनेगी, ये जहां एक्सपेंडिचर 50 लाख से ऊपर होगा वहां सीएसआर कमेटी बनेगी। अब बच्चे रट के जाते हैं सीएसआर करना है तो कमेटी बनेगी। क्या ऐसा है? सीएसआर करना है तो कमेटी तो बनेगी, पर ये बात डिपेंड करती है ना कि सीएसआर कितना करना है। सीएसआर 40 लाख करना है क्या सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी? यस, कौन बोला? सिमरन, सुनीता, गलती से नहीं ना, लाइक गलती से यस तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। हद कर दी यार तुमने, तुम यस को क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यार, इस तीन वर्ड्स को, सॉरी तीन लेटर्स को। चलो मेरे को एक बात बताओ, दोबारा से यार तुम लोग ना ऐसे हरकतें करके मेरे को भुला देते हो, कहां थी मैं? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ ध्यान से, सीएसआर कमेटी कब बनानी है, ये किस पे डिपेंड करता है कि मेरा सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना है? भाई मेरा सीएसआर एक्सपेंडिचर 40 लाख है, क्या कमेटी बनानी है? 55 लाख है, क्या कमेटी बनानी है? बिल्कुल मैंडेटरी है, बिल्कुल। अच्छा 40 लाख है, मैंडेटरी नहीं है, पर क्या मैं बना सकती हूँ? सवाल मेरा ये तुम कह रहे हो मैम 50 लाख से ऊपर है ना तो सीएसआर कमेटी बनाओ।
भाई अगर 40 लाख है तो कमेटी नहीं बनानी, पर कमेटी वाले काम कौन करेगा ये तो बताओ। सीएसआर कमेटी के कुछ फंक्शंस होंगे, यस और नहीं? तुम कह रहे हो कि 50 लाख से ऊपर है तो सीएसआर कमेटी बना दो जी, वो अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करेगी। 40 लाख है तुम्हारा सीएसआर एक्सपेंडिचर, कमेटी तो बनानी नहीं। तो भाई सीएसआर एक्सपेंडिचर फिर फंक्शंस कौन डिस्चार्ज करेगा? फंक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन डिस्चार्ज करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कसम से जैसी शक्लें बना के तुम बैठे हो ना, बस मेरा मन कर रहा है कुछ ना कुछ तुम्हें बोल दिया जाए। पर ऑब्वियसली आज चिल्ड्रंस डे, तो मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगी। मैं आज सोच के आई हूँ, आज मैं ट्रेन में आ रहा था तो मैं यही सोच रही थी कि नहीं डांटेंगे आज, कुछ भी हो जाए, ये जैसी मर्जी हरकतें करे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ठीक है। आइए दोबारा से हो जाए एक बार। अच्छा, कंपनी शेल कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमिटी, कब मेरे बच्चे? जब सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है, यहां तक क्लियर है? अब दूसरा, अब आओ, हमने ये तो बोल दिया, मेरे को एक बात बताओ, एक नॉर्मली घर की बात करते हैं, घर में आपको शादी के लिए कमेटी बनानी है, तुम मुझे बताना ठीक है यूट्यूब वाले बच्चों, घर में तुम शादी के लिए तुम्हें कमेटी बनानी है बेसिकली, कि कौन कौन शादी की डिस्कशन में पार्ट लेगा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन में किस किस को मतलब तुम इन्वॉल्व करना चाहोगे उसमें? मम्मी पापा और भाई, ओके, भुआ और बहन और दादा दादी और अंकल आंटी कौन? अरे अंकल आंटी मतलब मामा मामी, यार अंकल आंटी तो उसमें इंग्लिश में बोलते हैं ना, मामा मामी, चाचा चाची, भुआ चाचा चाची और मामा मामी और नाना नानी भी तो हैं, मासी, भाई मासड़ को कैसे भूल गए, बुआ इंक्लूड कर दी तुमने, फूफा जी को कैसे भूल गए, आतंक मचा देंगे शादी पे आके तुम्हारी है, ओके, दीदी, दीदी का हस्बैंड, दीदी के ससुराल वाले, भाई वो कौन, दीदी के ससुराल वाले कम समझे हैं तुमने, हद हो गई, और दोस्तों को भी तो इंक्लूड करेंगे, मान लो दो तुम्हारे दोस्त और जिस, हद हो गई यार जिसकी, और चलो दुल्हा दुल्हन, ओके, दूल्हे की साइड की फैमिली, भाई ये तुम यही कम पड़ गई, इधर देखो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सब लोग इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ही तो है, हद हो गई, एक को छोड़ के देखो, तुम्हें नजारे ना दिखा दे शादी में, दो बात है, तुम कहोगे भाई मैं नहीं करता शादी में, दोबारा कर लूंगा, पहले तू आ जा, तू बन जा पहले, इधर देखो मेरे बच्चे ध्यान से। अब वो क्या कह रहा है कि सीएस जब आप यू नो कमिटी बनाते हो तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट लोगों को लेते हो, मान लो तुम्हारी फैमिली में 4-5 इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पेरेंट्स हो गए और जो भी है ले लिया, तो क्या सीएसआर कमेटी में भी उन लोगों को लोगे? यस और नो? सीएसआर कमेटी में भी लोगे, हाँ या ना? अब वो क्या कह रहा है देखो, अब दो केस होंगे भाई, दादा दादी तो घर के सबसे बड़े होते हैं ना, हाँ या ना? अब दादा दादी तो घर के सबसे बड़े होते हैं, अब किसी का ये गुड लक नहीं होता कि वो हर एक के दादा दादी हो, मतलब बेसिकली किसी के होते हैं और किसी के मतलब नहीं होते। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जिसके दादा दादी हैं उसके तो जरूर करेंगे पार्ट आएंगे, पर जिसके नहीं है वो तो ला ही नहीं सकते ना, हाँ या ना? उनको ऊपर से तो बुला नहीं सकते, आ जाओ शादी है हमारी, ठीक है। अभी इधर देखो, कंपनी हैविंग आईडी मतलब दादा दादी, कंपनी हैविंग आईडी मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लिख दो दादा दादी, कंपनी हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी हैविंग, तो उसमें कमेटी किसकी बनेगी? 3 or more डायरेक्टर की, और एटलीस्ट 1 क्या होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। मतलब कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो कमेटी में 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स पार्ट लेंगे और उनमें से एक क्या होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब कंपनी में आईडी नहीं है तो कमेटी बनेगी 2 or more डायरेक्टर्स की, किसकी बनेगी रजे? 2 or more डायरेक्टर्स की। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में भी आईडी नहीं होता, आईडी के अगर आप क्वालिफिकेशन देखोगे तो उसमें ही आता ना पब्लिक कंपनी, यस और नो? तो प्राइवेट कंपनी में भी आईडी नहीं है तो 2 or more डायरेक्टर। फॉरेन कंपनी है भाई, कौन सी कंपनी है? अब फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर्स होते नहीं है, फॉरेन कंपनी में 2 मेंबर, एक तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का और एक बाहर वाला पर्सन जो वो नॉमिनेट करेंगे। क्लियर है यहां तक? एक बार खड़े हो जाओ यूट्यूब वाले बच्चों, एक बार खड़े हो जाओ फटाफट से। यूट्यूब वाले बच्चों फटाफट से, यार देखो पता है लेट नहीं करना, यार लेट नहीं करना, तुम जब ऐसे वो नहीं होना यार, लेजी नहीं होना, माना कि तुम बहुत ज्यादा लेजी हो पर लेजी नहीं होना। चलो चले कहां, जहां ले जाओ, हद हो गई। चलो आई, एक सेकंड मेरे बच्चे,
चलो ऑफ। वो क्या कह रहे हैं, आपको सीएसआर कमेटी बनानी है। क्या बनानी है? सीएसआर कमेटी। भाई जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जिस कंपनी में क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिस कंपनी में क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, थ्री और मोर डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये याद रखो। जिस घर में दादा दादी है वो तो आनी ही आनी है ना भाई, वो तो आनी ही आनी है। तो थ्री और मोर डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट, जिसमें नहीं है, जिसमें आईडी है ही नहीं, टू और मोर डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी, टू और मोर डायरेक्टर फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर तो होते ही नहीं। तो एक तो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव और एक जो बाहर वालों ने नॉमिनेट किया। क्या यहां तक कुछ मुश्किल है? क्या यहां तक कुछ मुश्किल है? क्या यहां तक मुश्किल है? अगर मेरे बच्चे, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सीएसआर एक्सपेंडिचर, सीएसआर कमेटी कब बनानी है? जब मेरा सीएसआर एक्सपेंडिचर 50 लाख से ज्यादा है। अगर मेरा सीएसआर एक्सपेंडिचर 50 लाख से ज्यादा नहीं है, 50 लाख से ज्यादा, तो सी मेरे को कमेटी नहीं बनानी। मेरे को कमेटी दोबारा से सीएसआर करना किसको है भाई? करना किसको है? नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उस, भाई ये जो कमर नहीं हिला रहे, मेरे को एक बात बताओ, मोच आई हुई है क्या है? हाँ हर्षित भाई, शर्म ही करते रहते हो, हद हो गई यार, ये सब बेशर्म है यहाँ पे, ये तिनको क्या लगता है? कुछ नहीं भाई, चलो आइए। हाँ राधिका बोलो, तुम्हारा डाउट क्लियर, सब चुप रहेंगे, राधिका का डाउट क्लियर करते हैं पहले। नलायक बोलो राधिका, फटाफट से। मोर देन 50 है मेरे बच्चे, एक्सीडिंग 50 है। देखो, वेयर द अमाउंट स्पेंड बाय कंपनी डज नॉट एक्सीड 50 लाख द रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। मेरे बच्चे More than 50. चले। लर्न हो गया। एक बार दोबारा करें। CSR, देखो, CSR करना किसको है? नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या, कब? नलायकों पिछले फाइनेंशियल ईयर में, कब? पिछले फाइनेंशियल ईयर में। यहां तक ठीक है, उसके बाद भाई मैं सीएसआर के लिए एलिजिबल हूं, मेरे को सीएसआर करना है। अच्छा, कमेटी भी बनानी है? हाँ, कमेटी तो बनानी है अगर मेरा एक्सपेंडिचर 50 लाख से ज्यादा है। कमेटी में कौन कौन होगा भाई? कितने आदमी थे? चार केस है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो थ्री और मोर डायरेक्टर, वन शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, टू और मोर डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी है, टू और मोर डायरेक्टर। फॉरेन कंपनी है, टू मेंबर्स, एक तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया को और वन नॉमिनेटेड बाय द, मतलब वो जो फॉरेन एंटिटी बाहर है। याद हो गया? पक्का, कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ जरा, तुम बताओ, शादी में सगन दी है कभी किसी की? सगन इन द सेंस जो शगुन देते हैं बेसिकली, तुम शगुन पंजाबी में सगन बोलते हैं। अच्छा मान लो, एक मिनट रुको, तुम्हारी नेबरहुड की आंटी है, तुम्हारे जब तुम्हारा 2017 में बर्थडे था, वो तुम्हें 51 रुपये देके गई थी, 21 रुपये देके गई थी। 2018 में तुम्हारा बर्थडे आया, 31 रुपये हो गए। 19 में आया, 51 रुपये हो गए। 2020 में उन्होंने अपने बेटे का बर्थडे किया और तुम्हें बुलाया वहां, कितने पैसे लेके जाओगे मुझे बताओ? तीन भाई, घर में मम्मी ये करेगी, 21 + 31 + 51 / 3 हद हो गई, घर में ये करेगी मम्मी? मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मली जब तुम शादियों में सगन देते हो तो मम्मी पापा क्या सोच के देते, क्या पर्सपेक्टिव होता है? कि पहले तो भाई देखो हमें कितना आया है, ये होता है ना, डायरिया होती है अगर तुम्हें ध्यान हो घर में बाकायदा। मान लो किसी का बर्थ होता है घर में, तो उसका यू नो वो करते हैं ना नामकरण वगैरह, उसमें कितने कितने पैसे आए, किसी की शादी हो रही है उस शादी में कितने कितने पैसे आए। और भाई मतलब तो प्रॉपर तुम्हारे कमलों से मोटे मोटे रजिस्टर हो गए तुम्हारी मम्मी पास, एक बार देखना। अंदर को एक बात बताओ भाई, सामने से कितना आया उसके अकॉर्डिंग तुम देते हो, यस और नो? मतलब ऐसा तो नहीं है ना माइंडलेसली कुछ भी उठा के दे दिया। तुम्हारे पड़ोसी की शादी है, 3100 तो सगन नहीं डाला होगे ना तुम, 500-1100 मैक्सिमम। भाई ऐसा तो नहीं है, पड़ोसी की आंटी की शादी, सॉरी आंटी की बेटी की शादी है, 5100 डाल के आ रही है मम्मी,
ऐसा तो कभी नहीं होता ना। अब इधर देखो मेरे बच्चे, वो क्या कह रहा है कि तुम्हें सीएसआर करना है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपना घर ही लुटा दोगे पूरा। भाई तुम्हारे पास 15 रुपए हैं, 15 के 15 थोड़ी दियाओगे, खुद भूखे थोड़ी मरोगे, 5 देने हैं ना, ये सुन लो। तो अब लॉ क्या कह रहा है, लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से एक सेकेंड। हाँ जी मेरे बच्चे, मोर देन 50 है जी, आइए। कंपनी शेल स्पेंड कितना, 2%, 2 रुपी पीपल, 2 रुपी पीपल, सुना है कभी 2 रुपी पीपल? नहीं, हिंदी वो सोचो उसकी, 2 रुपी पीपल। चलो चलो यार, ये नालायक बचाइए। कंपनी शेल स्पेंड कितना, 2%, मतलब कैसे याद रहेगा, 2 रुपी से याद रखो, ठीक है, कितने, 2%। अच्छा 2% किसका भाई, 2% किसका, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। भाई मैं आज यहां खड़ी हूं, पिछले 3 साल, पिछले कर लो, पिछले पिछले ये क्या हो रही है, पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट, पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का भी 2%, 2% स्पेंड करना, कितना करना है, 2। अच्छा किसका, किसका 2%, किसका 2%, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट, पिछले 3 साल का एवरेज नेट। चलो ठीक है, आओ 18-19 में मेरा जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट है ठीक है, 4 करोड़ था। 19-20 में मेरा प्रॉफिट 3 करोड़ हुआ, 20-21 में मेरा प्रॉफिट हुआ 6 करोड़। तो मेरा सवाल तुमसे है, 21-22 में मेरे को कम से कम कितना खर्चा करना है सीएसआर का, जवाब आना चाहिए जवाब। हाँ जी, कितना करना है, मल्टीप्लाइड, ग्रेट करे, जल्दी जल्दी आंसर दो जल्दी। ग्रेट, बहुत अच्छा यशस्वी, आपने आंसर दिया ना, शिवांगी, ग्रेट शिवांगी, प्राउड ऑन यू, प्राउड ऑन यू। सामने भाई नलायकों आंसर तो दे दो। 18-19 में मेरा प्रॉफिट 4 करोड़ था, 19-20 में 3 करोड़ था, 20-21 में 6 करोड़ था, 21-22 में सीएसआर कितना करना है मेरे को, 4.3 करोड़, ग्रेट। और पॉइंटों में क्या आंसर दे रहे हो, करोड़ में आंसर दो ना, 86 लाख, 86 लाख, 26 लाख, 26 लाख, ग्रेट ग्रेट। और आंसर दो, 4 करोड़, ग्रेट, 4 करोड़, वेरी गुड वेरी गुड। 12 लाख, 12 लाख, ओहो 26 लाख, ठीक है ठीक है, नलायक हो, 8.6, ओके 8.6 करोड़, 0.086 लाख, 0.86 करोड़, 8,06,000, 6,000, ओके ब्रो वेरी गुड, बहुत अच्छा। सवाल एक आंसर अनेक, फिर मैडम हमारा रिजल्ट ही नहीं आता, आईसीएसई नंबर ही नहीं देता मैम। वही मेरे बच्चे, मेरे को एक बात बताओ, अगर इसमें भी तुम्हारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो लिटरे मैं बोल रही हूँ तुम्हारे लिए बोतल का ढक्कन भी बहुत बड़ा है। इधर देखो, आई गेस इजिएस्ट क्वेश्चन है भाई ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इधर देखो देखो, 4 + 3 + 6 कितना आ गया, 4.33 करोड़ है ना। तो रुक जाओ एक मिनट, रुको, हाँ इसका 2% कितना आता है, कितना आएगा, 0.0866 करोड़ में आया ना ये। अब इसको लाख में कन्वर्ट कर लेना, कितना आ रहा है, 8.6 लाख आएगा जहां तक मुझे लगता है, यस 8.5 लाख, मोटा मोटा 8.5 लाख, ठीक है। अब मेरे को बताओ, 8.5 लाख है
यहां तक ठीक है, क्या सीएसआर कमेटी बनानी है? क्या सीएसआर कमेटी बनानी है? मुझे जवाब दो। तो मतलब अगर क्या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें सीएसआर कमेटी बनानी है या नहीं, तो भी क्या तुम्हें एक्सपेंडिचर निकाल के देखना पड़ेगा? यस और नो? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पैसा लगाना कितना? हाँ जी मेरे बच्चे, हाँ बना तो सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो हमने निकाला है, ये जो हमने निकाला है, ये क्या निकाला है? 2%। किसका 2%? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बच्चे प्लीज, एवरेज नेट प्रॉफिट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग। डन डन आ डन, एकदम यहां तक माइंड में। बस मैं कह रही हूं तुम्हारी रगों में दौड़ना चाहिए अब ये 2% वाला। आ जाओ अब भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये जो घर में तुम शादियों के लिए कमेटी बनाओगे, ये करेंगी क्या? क्या करेंगे मुझे बताओ? लड़ाई भाई, शादियों में ये कम है, वो कम है, ये कम है, वो कम है, दही भले में दही कम है, पिज्जा में चीज कम है, हैं, टिक्की में प्याज कम है, कमियां निकालेंगे बेसिकली। दूल्हे में है ही नहीं कुछ, दुल्हन में कमी है, यही निकालते हैं और क्या। अब मेरे को एक बात बताओ, जो सीएसआर कमेटी है वो क्या करेगी मुझे बताओ? तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, सीएसआर कमेटी क्या करेगी मुझे बताओ? मतलब सबसे पहले तो सीएसआर पॉलिसी बनाएगी, यस और नो? सीएसआर पॉलिसी बनाएगी, उसके बाद रिकमेंड करेगी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और उसके बाद भी मेरे को एक बात बताओ, तुमने सोच लिया अभी शादी पे 10 लाख लगाना है, अरे यार देखोगे भी तो सही ना, 10 लाख कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग रहा है, मॉनिटर भी तो करोगे, यस और नो? देखो सबसे पहले मान लो तुम्हारी शादी तय हो गई, एग्जाम्पल ले लो, तुम सबकी क्या हो गई शादी, तुम सबकी होगी इकट्ठे, तुम सबकी शादी तय हो गई। अब घर वाले ही सोचेंगे भी फंक्शन कितने करने हैं, हल्दी मेहंदी बैचलर्स शादी रिसेप्शन सत्संग फलाना ढिमकाना ये वो। मान लो 10 फंक्शन हो गए, पॉलिसी बना ली, इस दिन ये फंक्शन पॉलिसी हो गई, उसके बाद भाई इस 10 फंक्शन पे कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगाना तुमने अपनी शादी पे, मुझे एक बात बताओ कितना भाई? 50 लाख रुपए? पंद्रह बीस लाख? बच्चे बोल रहे यूट्यूब वाले, तुम बताओ तुम्हें शादी में कितने पैसे उड़ाने हैं अपने? हाँ जी 5 करोड़ भाई कह रहे भाई 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़। हाँ शादी के अगले दिन इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन डालने जाओगे बैंक में, और तो कुछ नहीं होगा भाई, हद हो गई। ये कह रहे हैं 1 रुपए 500 करोड़, 25 लाख कम से कम भाई, ग्रेट 20 लाख, ओ भाई तब याद करते हो, ओके चलो मान लेते 25 लाख। चलो पहले पॉलिसी बना ली, इस दिन ये फंक्शन होंगे, फिर एक्सपेंडिचर देख लिया भाई 25 लाख भाई, फिर उस 25 लाख को कहाँ कहाँ कितना कितना, ऐसा तो नहीं है 25 लाख का एक लहंगा ही दे देंगे घर वाले, लगा के दिखाएंगे ना, ये सोना भी अलग अलग लगाना है, बजट होगा हर चीज का, दैट इज मॉनिटरिंग, दैट इज वॉट। अच्छा ये मैं इस तरीके से क्यों लर्न करा रही हूँ, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सीएसआर कमेटी के क्या फंक्शन है। अब भाई बाकी तो तुम इधर उधर के जोड़ जोड़ के लिखाओगे, पर ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि देखो बाकी रूल्स में भी दे रखे हैं, बुक्स में अलग अलग दे रखे हैं, पर ये 3 सेक्शन में दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो शादी का एग्जाम्पल लेके याद रखो, सबसे पहले फंक्शन आएंगे, उसके बाद कितना पैसा बजट आएगा शादी का, और उसके बाद वो बजट कहाँ कहाँ लग रहा है। तो फंक्शन हो गई, पॉलिसी बन गई, उसके पास बजट आ रहा है, तो आपका अमाउंट हो गया कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, उसके बाद मॉनिटरिंग हो गई, यहाँ तक ठीक है समझ आ रहा है? देखो फ्रेम सीएसआर, फ्रेम सीएसआर, फ्रेम सीएसआर, फिर रिकमेंड अमाउंट ऑफ, रिकमेंड अमाउंट ऑफ, मॉनिटर सीएसआर पॉलिसी ऑफ कंपनी फ्रॉम टाइम टू, यहां तक क्लियर है? उसके बाद अब जब तुम पॉलिसी बनाओगे, मतलब पॉलिसी मतलब सीएसआर कमेटी ने मेरे बच्चे पॉलिसी बनाई, अब बोर्ड ही अंडरटेक करेगा ना उसे कि देखो कमेटी, देखो पॉलिसी बनाई किसने? सीएसआर कमेटी ने, पर अप्रूव कौन करता है? बोर्ड। अप्रूव कौन करेगा? पैसे लगाएगा कौन? बोर्ड। मॉनिटर जरूर सीएसआर एक्टिव मतलब आपकी कमेटी करेगी, बट अप्रूव कौन करता है? यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का पक्का नहीं? अब मेरे को एक बात बताओ, जरा मेरे को एक बात बताओ, जब शादी तय हो गई भाई, तुम्हारा पॉलिसी बन गई, फंक्शन किस किस डेट को है सब हो गया, 25 लाख लगेगा हो गया, जस्ट अ मिनट मेरे बच्चे, उसके बाद 25 लाख कहां कहां लगेगा ये हो गया। अब उसके बाद क्या कार्ड भी छपवाओगे?
कार्ड भी छप, लोगों को ढिंडोरा भी तो बनवाओगे, यस और नो? हमारे चाचू की शादी में जरूर जरूर आना, होता ना बच्चों का होता नीचे लिखा होता है, अब वो वाला सीन भी तो करना है कि नहीं करना? अब मेरे को बताओ, तो वैसे ही द बोर्ड शेल अप्रूव द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द CSR कमिटी. देखो रिकमेंड कौन करेगा? CSR. अप्रूव कौन करेगा? एंड डिस्क्लोज द सेम इन द बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑन द वेबसाइट. कहां डिस्क्लोज करना है भाई? और वेबसाइट पे, बोर्ड रिपोर्ट पे. और क्लियर हो गए यहां तो? बोर्ड रिपोर्ट पे एंड, बोर्ड रिपोर्ट पे एंड, यहां तक क्लियर है? आई बैठो. अब बोर्ड रिपोर्ट में क्या CSR पॉलिसी आप बताओगे? बोर्ड रिपोर्ट में क्या CSR पॉलिसी बताओगे, यस और नो? तो बोर्ड रिपोर्ट में कंपोजिशन ऑफ कमिटी भी आएगी. बोर्ड रिपोर्ट में कंपोजिशन ऑफ कमिटी, ठीक है, लिख दो. हाँ मेरी बच्चे, इंपैक्ट असेसमेंट भी कराऊंगी, तो मैं बोला तो था पूरा CSR कराऊंगी. टेंशन जब तक मैं हूं, टेंशन लेने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं. चले आगे, यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? YouTube वाले बच्चों समझ आ रहा? तो यार दिल दे दे, दिल दे दे, दिल आ रहा है? समझ तो फटाफट से दिल भेज दो यार अपने, जल्दी 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 फटाफट. जल्दी, ग्रेट 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 ग्रेट. ये टूटे हुए दिल भेज रहे हो यार, टूटे हुए दिलों की कमी नहीं है इस दुनिया में, तुम तो जुड़े भेज दो. ये तो शार हो भाई, इतने टूटे दिल भाई. चलो आइए, ग्रेट ग्रेट. आई गेस रिवाइज हो गया होगा. सेक्शन चल रहा है 173. ओह आई एम सॉरी, 130. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, CSR रूल. हर कंपनी को CSR करना है या नहीं? नहीं 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 नहीं. नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ उससे ज्यादा, आज वाले साल में, पिछले साल में कितना CSR करना है? 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3. अगर भी अमाउंट 50 लाख से ऊपर आता है तो CSR कमिटी बना दो, नहीं आता तो मत बनाओ कमिटी. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 3 और मोर डायरेक्टर, 1 शैल बी इंडिपेंडेंट, नहीं है तो 2 और मोर डायरेक्टर. प्राइवेट कंपनी है तो 2 और मोर डायरेक्टर, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 2 मेंबर, 1 इंडिया का 1 बाहर का. पर मेरा सवाल, एक सवाल मेरा सिर्फ एक, गोलमो है, गोलमो की सब्सिडरी तुम्हें पता है? रिलायंस पता कि नहीं पता? गोलमो की सब्सिडरी कौन सी है? सवाल मेरा तुमसे ये है, गोलमो को CSR करना है, क्या रिलायंस को भी करना है? हां जी, YouTube वाले बच्चों, YouTube वाले बच्चों, गोलमो की सब्सिडरी क्या है? गोलमो की सब्सिडरी क्या है? गोलमो इज लाइक बड़ी बहन टू रिलायंस. गोलमो इज लाइक बड़ी बहन टू रिलायंस, यस और नो? गोलमो को CSR करना है, क्या रिलायंस को भी करना है? सवाल मेरा. मेरे बच्चे ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट. हमने जब CSR पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? एवरी कंपनी, एवरी भाई, जिस पे ये लगेगा उसी को फॉलो करना है. मान लो आपका प्रोविजन है, ये गोलमो पे नहीं लगा पर ये रिलायंस पे लग गया, तो सिर्फ रिलायंस को फॉलो करना है, गोलमो को फॉलो. हम ये नहीं कह रहे कि ये होल्डिंग पे लगेगा, सबसे पे लगेगा, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ कंपनी पे लगेगा भाई, तुम देख लो जो उसी कंपनी है. अब मान लो एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी एलिजिबल हो रही है और होल्डिंग एलिजिबल नहीं हो रही, तो भाई सब्सिडरी को करना है फिर होल्डिंग को नहीं करना है? यस और नो? जिस कंपनी पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, क्या ये सिर्फ उसी को करने हैं? क्लियर हो गया? अब एक सवाल मेरा ये, गोलमो बनी है, गोलमो को 2 साल हुए बने हुए, कितने साल हुए? अब 2 साल में उसका प्रॉफिट अच्छा चला गया 10 करोड़. गोलमो को बने हुए 2 साल हुए, 2 साल में प्रॉफिट अच्छा चला गया 10 करोड़. क्या 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 CSR करना है? क्या CSR करना है? क्या CSR करना है? कीप योर हैंड लाइक दिस, लाइक दिस, कीप योर हैंड लाइक दिस. YouTube वाले बच्चों ऐसे एकदम अपने फेस के, अरे एकदम फेस के पास लेके आओ, फेस ये चीक से ना तुम्हारे गोरे गोरे सॉफ्ट सॉफ्ट, इसके पास और जोर से मारो.
मैं बताती हूँ, ये सवाल मैंने आईसीएसई से पूछा, या आईसीएसई आईसीएसई सुन जरा, आईसीएसई ने क्या बोला सुनाइए यार, हद हो गई, कन्वर्सेशन हो रही है, सुनाइए। मैंने बोला तुम्हारा प्रोविजन गलत है। मैंने क्या बोला, बोलते हमारा तो है ही नहीं कंपनीज एक्ट का, एमसीए का है। मैंने कहा अच्छा तुम तो सुनो, तुमने लिखा है 2% ऑफ लास्ट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 साल। भाई जिस कंपनी को बने हुए 3 साल हुए ही नहीं, वो क्या करे? तो आईसीएसई ने बोला वो कुछ ना करे, जितने साल हुए उतने साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल दे। मतलब अगर आपकी कंपनी मेरे बच्चे 3 साल से कम टाइम के लिए एग्जिस्टेंस में है, पर वो एलिजिबल हो रही है, वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, तो जितने साल हुए हैं ना उसको बने हुए, मान लो 2 साल हुए हैं, तो 2 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%। अच्छा मेरे को बताओ, 2 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट करना है या 2 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% करना है? का 2%, समझ आ रहे हो मेरे बच्चे? नॉर्मली जिस कंपनी को बने हुए 3 साल से ज्यादा हो गए उसका तो 3 साल का, पर जिसको बने हुए 3 साल नहीं हुए उसका लास्ट जितने साल हुए उसका 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गया मेरे बच्चे यहां तक? पक्का पक्का सुन, समझ आ रहा है, जा रहा है यहां पे कुछ? ओके चलो आओ, अब देखो मेरे बच्चे, अप्लाई कब होगा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग, अगर आपने इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, देखो क्या लिखा है यहां पे, एनी कंपनी, मेरे बच्चे क्या लिखा है, शेल स्पेंड 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। मेरे बच्चे जो ये कह रहे हैं डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, मेरे को एक बात बताओ, 10वीं तक मैथ नहीं था तुम्हारे पास? है? जब मैं बोल रही हूँ लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट, तो डिवाइडेड बाय भी तो 2 ही होगा, डिवाइडेड बाय 3 क्यों करेंगे? उठ जाओ बच्चे, उठ जाओ, ये रेडबुल ज्यादा, रेडबुल ही ब्लैक डॉग ज्यादा पी लिया तुमने, जल्दी, ब्लैक डॉग होता है ना एक ब्रांड होता है शायद, ब्लैक डॉग, हाँ 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 हाँ, तुम क्या निकाल, तुम्हारे लिए तो बने हैं वो, हद हो गई, और क्या जेंडर स्पेसिफिक थोड़ी है, हद कर दी यार तुमने। चलो चलो यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, चलो नहीं आया समझ, एक बार दोबारा मेरे देखो ध्यान से मेरे बच्चे, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी को बने हुए 3 साल हो गया तो एवरेज नेट प्रॉफिट किसका निकालोगे? 3 साल का। पर अगर आपकी कंपनी को बने हुए 3 साल नहीं हुए तो एवरेज नेट प्रॉफिट किसका निकालोगे? अभी जितने साल बने हुए हुए, क्या कुछ मुश्किल है इसमें? मुझे ये बात बताओ, तुम्हें एवरेज भी निकालनी नहीं आती यूट्यूब वाले बच्चों? मुझे तो लगा था मेरा मैथ बेकार है, पर तुम तो मेरे से भी कहीं गुजरे हो, तुम्हें देख के तो मुझे हौसला मिलता है कि मेरा मैथ अच्छा है। चलो अब मेरे को जरा एक बात बताओ, जरा एक बात, थाईलैंड जाना चाहते हो? जाते हो थाईलैंड जाना? मतलब जाना चाहते, कौन सी कंट्री है जहां तुम जाना चाहते हो? स्विट्जरलैंड। ओहो, तुम कहाँ जाना चाहती हो? शिवानी कहीं भी भेज दो, अध्यालक्ष्मी नगर के चक्कर निकालो, फिर कहीं भी भेज दो, पेरिस, बच्चे बोल रहे पेरिस, ओके, बच्चे बोल रहे पेरिस, ओके, थाईलैंड, जापान, दुबई, इटली, भाई, एलए, न्यूजीलैंड, ग्रेट, न्यूयॉर्क, हाँ, साउथ कोरिया, चलो ओके आइए। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, इंटर्न मेरे को एक बात बताओ, तुमने कंपनी बनाई, तुमने क्या बनाई? तुमने कंपनी बनाई, तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट है, सीएसआर एक्सपेंडिचर आ रहा है 60 लाख, कहाँ आ रहा है? सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है भी? तुमने बोला यार नहीं, ये 60 लाख ना थाईलैंड में डोनेट करते, 60 लाख का काम कहाँ करते हैं भी? थाईलैंड में बहुत गरीबी है यार, थाईलैंड में क्या है, बहुत गरीबी, चलो थाईलैंड को अमीर बनाते हैं, ये 60 लाख कहाँ बेचते हैं? कैसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो? मुझे बात बताओ, पहले अपना घर सुधारो, तुम्हें रिसोर्सेज कहां से आ रहे? थाईलैंड भेज रहे क्या तुम्हें कि इंडिया भेज रहा है? इंडिया तो पैसे वापस भी किसको करोगे भाई? मेरे को एक बात, चलो इंडिया का यहां तक ठीक है, अब हम लक्ष्मी नगर में रहते हैं, हम सबको पता है लक्ष्मी नगर कितना पॉश एरिया है, पता है? यस और नो? लाइक हरियाली हरियाली चारों तरफ, सड़कें लंबी चौड़ी, एकदम मजा है ना? अब इधर देखो,
जब मैं घर जाती हूँ ना भाई, तो हमारे उधर साइड क्या है, थोड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इट फील्स लाइक इन, मतलब ऐसा लोगों को ऑस्ट्रेलिया जाके फील होता है कि हम हेवन में, मेरे को वहां जाके फील होता है कि अभी सांस आ रहा है. ठीक है, अभी इधर देखो, मेरे को एक बात बताओ, तुम यहाँ पे लक्ष्मी नगर रहते हो जी, लक्ष्मी नगर बाहर तारों का हाल देखा क्या है, नीचे गंदगी देखी है कितनी है, और तुम कह रहे हो मैं सीएसआर एक्सपेंडिचर करूंगा तो कुरुक्षेत्र में करूंगा. भाई पहले अपने आसपास का माहौल तो सुधारो. यस और नो, सीएसआर एक्सपेंडिचर जब कर रहे हो मेरे बच्चे, तो उसमें सबसे पहले क्या प्रेफरेंस टू लोकल एरिया दोगे? यस और नो? लोकल एरिया मतलब लक्ष्मी नगर का ढंग, लक्ष्मी नगर का हुलिया निकालो. ये गलियां भाई पता ही नहीं है लक्ष्मी नगर की गलियां. तुम्हें लगता है कि तुम लक्ष्मी नगर को जानते हो, पर तुम नहीं जानते. एक दिन मैं सच में बता रही हूँ, आई वेंट टू मंगल मार्केट, और नॉर्मली मैं मंगल मार्केट ना, यहाँ मेन रोड है ना जो मेट्रो वाला, वहां से जाती हूँ. एक दिन मुझे पता नहीं क्या शौक चढ़ा क्या नहीं चढ़ा, मैं गई तो यहां से आई बीच में से, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मतलब आई विल नॉट लाई, इट टुक मी 2 hours टू रीच माई डेस्टिनेशन, वो भी विद रिक्शा. भी लास्ट में मैंने रिक्शा लिया, बिकॉज आई वॉज लिटरली, मेरा ऐसा रोना भाई, रात का टाइम, मेरे को समझ ही ना आया मैं हूं कहां. इधर देख रही हूँ यहाँ पे आई गेस एक गुरुद्वारा है बहुत दूर से जाके, मेरे को पता नहीं, 2 घंटे में मंगल मार्केट से अपने घर नहीं पहुंची. उसके बाद मैंने रिक्शा लिया, उसको यू नो, उसको पता था थोड़ा सा डेस्टिनेशन वगैरह, तो उसने मुझे वहां छोड़ा. इधर देखो, अब मेरे को ये स्पैम कौन कर रहा है भाई, ये हाल है. तो मतलब कि पहले अपने लोकल एरिया को सुधारो. यस और नो? अगर तुमने सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी मेरे बच्चे? प्रेफरेंस किसको मिलेगी? अब ध्यान से मेरे को एक बात बताओ जरा. अब तुम टिफिन में मम्मी 2 रोटी भेजती है, तुम एक खा के जाओ, क्या रीजन बताना पड़ता है घर में कि भाई एक भाई सब्जी अच्छी नहीं थी, रोटी अच्छी नहीं थी, दोस्त ले आया था कैंटीन से खा लिया था, क्या रीजन बताना पड़ता? नहीं बताना पड़ता. तुम्हें मम्मी टिफिन भेजती है घर, तुम रोटी ना खा के आओ, आती पूछती है ना भाई टिफिन आज खाओ, रोटी क्यों नहीं खाई? मतलब जो अनस्पेंट फूड है क्या उस पर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है? यस और नो? अनस्पेंट फूड एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है. वैसे ही मेरा जो सीएसआर एक्सपेंडिचर आया वो आया 40 करोड़, कितना आया? पर मैं स्पेंड कर पाई 20 करोड़, कितना स्पेंड कर पाई? तो जो 20 करोड़ है क्या उसका रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा? जो 20 करोड़ बाकी अनस्पेंट है क्या उसका रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा? यस और नो? देखो, इफ देयर इज सम अनस्पेंट अमाउंट ऑफ सीएसआर, कंपनी शेल स्पेसिफाई द रीजन फॉर द सेम इन. यहां तक ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का पक्का समझ आ रहा है ना सब? आइए, अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई देशभक्ति का जुनून चढ़ गया हम में, देशभक्ति का जुनून, कि मतलब जिस मिट्टी पे हम रहते हैं उस मिट्टी के लिए हमें कुछ करना है, मतलब हमें करना है भाई, हमें देश के लिए कुछ करना है, मर मिटना है देश के लिए हमें. तो सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना आया तुम्हारा? 40 करोड़. तुमने स्पेंड कर दिए 50 करोड़. क्या 10 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिए? क्या 10 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिए? वो कह रहे 10 करोड़ आगे तुम सेट ऑफ कर सकते हो. क्या कर सकते हो? सेट ऑफ, सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए, मतलब 3 साल तक तुम इन्हें क्या कर सकते हो? सेट ऑफ. तुम इन्हें 3 साल तक क्या कर सकते हो? 3 सेट ऑफ कितने साल के लिए हो सकते हैं? कितने साल के लिए सेट ऑफ हो सकते हैं ब्रो? 3 ईयर्स. 3. यहां तक क्लियर है? एक बार फटाफट से गो थ्रू दिस, जितना है करवाए एकदम फटाफट पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं. जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दल दुश्मन के हिलते हैं. चलो चलो चलो, ये पॉइंट. इसका मतलब है मेरे बच्चे देखो, मेरा खर्चा बनता है टोटल 40 करोड़, ठीक है? मैंने इस साल में कर दिया 50 करोड़, तो 10 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिया. अब अगले साल का मेरा सीएसआर एक्सपेंडिचर बनता है 40 करोड़. वो कह रही है 10 करोड़ अगले साल तक सेट ऑफ हो सकता है ना, पर इस 10 करोड़ को मैक्सिमम तुम 3 साल तक सेट ऑफ कर सकते हो, 4th साल नहीं लेके जा सकते इसको. करेंगे मेरे बच्चे, करेंगे राधिका, करेंगे. हाँ हाँ बोलो राधिका, बोलो 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 राधिका, चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं, बोलो. चले इन्हें लाइक लाइक लुक कर दिया करो, है
बता रही हूँ, कम किया तो बता रही हूँ क्या होगा, रुको तो सही, सबर तो करो, बता रही हूँ मैम। इसमें 9 सबसेक्शन है, आपने मेंशन नहीं किया, माई फॉल्ट, इज दिस माई फॉल्ट, नलायको, नो सबसेक्शन। अगर मैं अब तुम्हें सबसेक्शन लर्न करवाने बैठी तो भाई ये नहीं खत्म हो सकता। वो ऐसे तो मेरे बच्चे डिपॉजिट्स में भी सबसेक्शन है, डिबेंचर्स में भी इतने सबसेक्शन है, बट द थिंग इज दिस इज रिवीजन क्लास मेरे बच्चे, इसमें अगर हम सबसेक्शन वाइज लर्न करवाऊंगी ना तो वो पॉसिबल ही नहीं है चीजें। ट्राई टू अंडरस्टैंड राधिका, चलें आगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बैकबोन इस चैप्टर की, अनस्पेंट अमाउंट। बैकबोन क्या इस चैप्टर की? अरे अरे राधिका कैसे बातें कर रहे हो, यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट यार। चलें आगे, देखो जिसके सबसेक्शंस लर्न कराने होंगे ना मैं आपको खुद ब खुद करवा दूंगी, क्योंकि क्या होता है अगर मैं इसमें सबसे, देखो मेरे को क्या करना है, एग्जाम में मेन सेक्शंस याद रखने हैं और रूल नेम याद रखने हैं। अगर मेरे को रूल नेम याद हुए ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक एक्स्ट्रा एज आती है। देखो सेक्शन तो ठीक है, सेक्शन तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट की तो मैं सेक्शन तो लर्न हो जाए, पर द थिंग इज रूल्स भी करने हैं, रूल और रूल नंबर नहीं करते। देखो स्मार्ट वर्क करो, रूल नंबर मत करो, रूल नेम करो बस। जहां मेरे को पता सीएसआर लगना है यार, सीएसआर रूल्स, डिपॉजिट लगना है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल, शेयर कैपिटल लगना है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल, प्रोस्पेक्टस वाला लगना है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स, क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूल्स, मैनेजर पर्सोनल वाला था, और एक मीटिंग एंड बोर्ड ऑफ इट्स पावर रूल्स। गिनती के 15 रूल्स होंगे, गिनती के जो रूल नेम होंगे ना वो 15 होंगे। थोड़ा सा बस हमें थोड़ा सा करना है, और क्या होता है सबसेक्शन में ना कंफ्यूजन आ जाती है बहुत ज्यादा। मान लो इसके 9 सबसेक्शन है, अब अगर मैं ना 9 के 9 करा दूंगी ना, थोड़े टाइम बाद सेक्शन तो ये रहेगा 135, बट सबसेक्शन में कंफ्यूजन आ जाएगी, दैट्स व्हाई नहीं करा रही, ठीक है। आइए अब भाई, तुमने टिफिन पूरा फिनिश नहीं किया, तुमने टिफिन पूरा फिनिश नहीं किया, मतलब कि जितना अमाउंट स्पेंड करना चाहिए था उतना। अब लॉ कह रहा है कि भाई मेरे हिस्से में आया 20 करोड़, मेरे हिस्से में कितना आया, मैंने स्पेंड किया 10 करोड़, मैंने स्पेंड कितना किया, तो 10 करोड़ अनस्पेंड है, 10 करोड़ क्या है मेरे बच्चे। अब इस 10 करोड़ का ट्रीटमेंट क्या होगा वो समझना है मुझे। लॉ कहता दो बातें, कितनी बातें हैं, टू, कितनी बातें, टू, कितनी बातें, एक तो या तो तुम्हारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या तुम्हारा नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, या तो तुम्हारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या तुम्हारा नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है यार, एक माइक ने बहुत दुखी कर दिया। या तुम्हारा क्या है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट या क्या है नॉन ऑनगोइंग। अब ऑनगोइंग का क्या मतलब होता है, ऑन गोइंग मतलब जो चल रहा है जो, और नॉन ऑन गोइंग मतलब जो नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा तुम्हारी जिंदगी में, मस्ती, अच्छा प्रोजेक्ट, जिंदगी में कौन सा प्रोजेक्ट होते हैं भाई, जिंदगी में प्रोजेक्ट होते हैं कौन सा, जिंदगी तो प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। इधर आओ, आइए, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने सोचा यार भंडारा लगाना है, तुमने क्या सोचा, बट चिल्ड्रंस डे है तो जो नीचे छोटे छोटे बच्चे हैं बेसिकली उनके, तुम्हारे लिए यार हमारे लिए लगा दो भाई, हद हो दिया यार। तुम्हें है कि यार चिल्ड्रंस डे है, नीचे छोटे छोटे बच्चे जो है ये भूखे हैं और हम भी भूखे ही हैं, भंडारा लगाना, क्या लगा, तुमने मुझे कहा कि मैम भंडारा लगाओ, हमने नीचे कड़ी चावल का भंडारा लगा, तो कड़ी चावल, मोमोज, चाउमीन, गोलगप्पे, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी, आइस टी, हमने नीचे भंडारा लगाया इसका, हमने क्या लिखा, फ्री में भाई, बफे लगाया, बफे फ्री में, साउथ है ये डोसा, शेजवान डोसा, ड्राई फ्रूट डोसा, भाई चलो इससे ज्यादा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, ठीक है, हमने नीचे भंडारा लगाया, क्लियर है यहां तक। अब उस भंडारा,
आज सुबह भंडारा लगा, क्या अगले हर साल भंडारा ही चलता रहेगा या सुबह लगा शाम को खत्म? भाई मैं शाम भी नहीं होने देंगे, अभी लगा डेढ़ घंटे में खत्म, यस और नो? मतलब अभी के अभी खत्म हो गया? यहाँ भी तो मैंने भूखे बच्चों को खाना ही खिलाया, तुम बच्चों को खाना ही खिलाया मैंने, यस और नो? भी तुम क्या भूख यार, आदत तुम्हें भूख नहीं लगी बताओ? तो वैसे वाले भूखे कह रही हूँ, भूखे वाले भूखे नहीं कह रही मैं, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ कि ऑन गोइंग है या नॉट ऑन गोइंग है? नॉट ऑन गोइंग भाई, खत्म ना बात। तुमने देखो वो शबील लगती है, यू नो शबील, उसमें बेसिकली रूह अफ़ज़ा वाला पानी डालते हैं और कितना टेस्टी होता है, कभी नहीं पी तुमने? अच्छी नहीं लगती तुम्हें? कैसे इंसान हो यार तुम, हैं? वही तो, शबील तो सब पीते हैं यार, और मुझे तो अच्छी लगती है भाई, हद करते, कैसा कैसा टेस्ट है तुम्हारा। तुम मैकडोनल्ड्स की कोल्ड कॉफी के लायक ही हो, चलो तुम वो भी नहीं पीते। इधर देखो, अब मेरे बच्चे उसमें क्या होता है, सुबह लगी शाम को खत्म, यही है ना, दैट इज नॉट ऑन गोइंग थिंग भाई। अभी अभी लगी है यार, मेरे को एक बता, मेरे को एक बात बताओ, मेरा CSR का एक्सपेंडिचर है 10 लाख, मेरे 10 लाख का भूखों को खाना खिला दिया, बात खत्म, एक दो दिन के लायक हो गया ना खत्म। पर अब मैंने सोचा यार, बड़ा सोचते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, सुबह सोचा शाम को स्कूल तैयार हो जाएगा। डोरेमोन तो चल नहीं रहा ना यहाँ पे, डोरेमोन तो चल नहीं रहा, अब मेरे को बताओ क्या उस पर टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? दैट इज ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, दैट इज वॉट भाई। वो कह रहा कि देखो तुम्हें देश की गवर्नमेंट के जैसे नहीं बनना, जिसने सोचा और 15 साल लगा दिए, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, ऑन गोइंग को 3 साल में खत्म करना है। ऑन गोइंग को कितने साल में खत्म करना है? मतलब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका स्पैन 3 इयर्स है, जिसका स्पैन, और नॉट ऑन गोइंग शुरू खत्म, बात खत्म, मतलब एक ही मिनट में, मतलब ये ना उसका कुछ टाइम नहीं है जो जल्दी खत्म हो जाए, और ऑन गोइंग जिसका स्पैन कितना है, मैक्सिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम कितना भाई, मैक्सिमम 3 इयर्स में आपको इसको क्या करना है, खत्म क्या करना है। यहां तक ठीक है मेरे बच्चे? आइए देखो वो क्या कह रहे हैं, अगर अनस्पेंड अमाउंट डज नॉट रिलेट टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, या फिर अनस्पेंड अमाउंट रिलेट्स टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, मैं लगा दूं स्कूल बनाना है और इसमें लगा दूं भंडारा, स्पेलिंग ही नहीं, भंडारा इज ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नॉट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, बोलो, आवाज नहीं आ रही, और स्कूल ऑन गोइंग नॉट ऑन गोइंग। आइए, वो कह रहे हैं कि अगर आपने मान लो मेरे को था कि मेरे को 40 लाख रुपए का लोगों को खाना खिलाना है, उसमें से मैंने 20 लाख का खाया, तो 20 लाख अनस्पेंड रह गए, यस और नो? 20 लाख क्या रह गए, अनस्पेंड। तो क्या कह रहा है कि कंपनी का जो फंड है वो प्रोजेक्ट में लगाया उसने जो कि ऑन गोइंग नहीं है, और उसमें से वो क्या रह गया, अनस्पेंड अमाउंट रह गया, क्या थोड़ा सा रह गया, अनस्पेंड। तो कह रहा है कि उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के विद इन 6 मंथ वो पैसा आपको ट्रांसफर करना है, वो पैसा क्या करना है, पैसा क्या करना है, पैसा क्या करना है, पैसा क्या करना है, कितने टाइम में, 6 मंथ कहां से, फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 मंथ कहां से, फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पैसा कहां कहां डालना, पैसा अपनी जेबों में या शेड्यूल सेवन के फंड्स में, जैसे क्लीन गंगा फंड हो गया, स्वच्छ भारत फंड हो गया, ऐसे फंड्स में, क्लियर है? इधर आना सिमरन, तुम आओ, क्या बच्चे, अहो आ जाओ, जो भी हो आ जाओ। मान लो ये हमारी कनिका, कनिका ने कंपनी बनाई, कनिका की कंपनी की नेटवर्थ 600 करोड़ है, क्या CSR करना है? सोच लो थोड़ा और सोच लो, करना है, बिल्कुल करना है। अब भाई इसका CSR एक्सपेंडिचर आया, वो आया 2 लाख, कितना आया 2 लाख। इसने सोचा यार मैं प्यासों को पानी पिलाऊंगी, मैं क्या कहूंगी, प्यासों को पानी पिलाऊंगी, इसने 1 लाख का पानी पिला दिया, कितने लाख का भाई, ऑब्वियसली मतलब पानी यार बिस्लेरी वाला बॉटल्स लेकर आई, बॉटल्स बांटी, हद हो गई, नीचे वाले टंकी वाला पानी थोड़ी बांटती फिरेगी, हद कर दिया, 1 लाख का पानी पिला दे, 1 लाख अनस्पेंड है, कनिका कितना अनस्पेंड है, 1 लाख। तो ये 1 लाख है कि 1 लाख कनिका अपनी जेब में जाके लुई वुइटन का बैग लेके आएगी? या भाई मेरे को एक बात बताओ, ये पैसा निकला किसके लिए था, सोसाइटी के लिए, ये पैसा निकला किसके लिए था, सोसाइटी के लिए, तो वापस जाएगा भी किसको,
भाई कनिका क्या कहती है, कनिका को क्या, मैंने कनिका मेरे पास आई कहती मैम 1 लाख का क्या करूं, मैंने कहा सुन इस फाइनेंशियल ईयर जब से क्लोज हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, जब से ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ इसके 6 महीने के अंदर अंदर ये पैसा अकाउंट में डाल दे। किसमें डाल दे, कहती अपने अकाउंट में, मैंने कहा चुप, अपने अकाउंट में नहीं, Schedule 7 में गवर्नमेंट ने फंड्स नोटिफाई किए, क्या किए फंड्स नोटिफाई, उसमें पैसे डाल दे। अच्छा, कहती मैं गवर्नमेंट के फंड्स में क्यों डालूं, मैंने कहा गवर्नमेंट ने जो फंड्स नोटिफाई किए वो सोसाइटी के लिए तो किए, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत फंड, ये सोसाइटी, वो अलग बात है सोसाइटी में जाता है या नहीं वो बात नहीं है, बट नाम से तो क्या लग रहा है अभी सोसाइटी के लिए। भाई तू इस 1 लाख को नहीं लगा पाई, या तो तू इस 1 लाख को सोसाइटी के लिए लगा दे, तू नहीं लगा पाई तो अब आगे कौन लगाएगा, गवर्नमेंट ही तो लगाएगी। तो जब से फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, जब से फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके कितने महीने के अंदर, उसके कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, वो पैसे कहां डाल दे, Schedule 7 के फंड्स में, कहां डाल दे, Schedule 7 के फंड्स में, Schedule 7 के, जैसे क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत फंड, इस तरीके से। बैठो बच्चे, क्लियर है मेरे बच्चे यहां तक, पक्का पक्का, हेलो। अच्छा तो हम चलते हैं, क्या नो, तो मैं कहां जा रही हूं, मैं तो गाना गा रही हूं, हद हो गई यार, आइए। बट अगर ऑन गोइंग का है, अगर किसका है, ऑन गोइंग मतलब चलते ही जा रहा है, ऑन गोइंग मतलब चलते ही, अच्छा ऑन गोइंग है तो भाई वो कह रहा है मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, मैंने सोचा इस साल 400 करोड़ रुपए मेरे को CSR में लगाने हैं, स्कूल में लगाने हैं। अब स्कूल में जरूरी थोड़ी है कि मैं एक साल में 400 करोड़ लगा दूं, पॉसिबल है ना कि मैंने 200 करोड़ एक साल में लगाया, अगला 200 करोड़ अगले साल में लगे गया, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो कह रहा इसमें तुम डायरेक्टली फंड में पैसा ट्रांसफर नहीं करोगे, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है तो तुम मान लो मेरा प्रोजेक्ट स्कूल बना रही हूं मैं, 3 साल का है, इस साल मेरे को 2 करोड़ खर्च करने थे, मैंने 1 करोड़ किया, 1 करोड़ अगर मैं फंड में डाल दूंगी तो निकाल थोड़ी सकती हूं, तो हो सकता है 1 करोड़ मेरा अगले साल लग जाए, तो 1 करोड़ मैं अनस्पेंट अकाउंट में डालूंगी, किसमें डालूंगी, अनस्पेंट अकाउंट में, किसमें डालूंगी, अनस्पेंट अकाउंट में, किसमें डालूंगी, और वो जो अनस्पेंट अकाउंट में जो पैसा डाला है वो अगले 3 साल तक यूज कर लूंगी, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो होता ही कितने साल का है, कितने साल का होता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, देखो इफ अनस्पेंट अमाउंट रिलेट्स टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो जो अनस्पेंट अमाउंट है वो किस में जाएगा, फंड में जाएगा या अनस्पेंट CSR अकाउंट में जाएगा, अच्छा अनस्पेंट CSR अकाउंट में कितने दिन में, 30 days फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 30 days फ्रॉम एंड ऑफ, 30 days फ्रॉम एंड ऑफ, मतलब अनस्पेंट अकाउंट मतलब सेपरेट बैंक अकाउंट, और ये जो अनस्पेंट अकाउंट में पैसा जाएगा वो कितने साल में कंपनी यूटिलाइज कर लेगी, 3 साल में। बट अगर तुमने 3 साल में भी यूटिलाइज नहीं किया तो फिर क्या वो फंड में जाएगा, फिर क्या वो फंड में जाएगा, लर्न कराती हूँ मेरे बच्चे, टेंशन नहीं लेनी, लर्न कराती हूँ, 1 मिनट। जीत भैया, चलिए आगे आइए, लर्न करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। वो क्या कह रहा है, 2 केस है, या तो तुम्हारा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है या तुम्हारा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग नहीं है। ऑनगोइंग का मतलब क्या है, हाँ जी, अगर वो कह रहा है आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब क्या है कि उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे कितना टाइम लगना है, 3 साल, कितना टाइम लगना है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मतलब जिस ईयर में वो शुरू हुआ ना उसको छोड़ के 3 साल है दोबारा से। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का क्या मतलब है भाई, जिस साल तूने उसको शुरू किया, जिस साल तूने उसको शुरू किया उस साल को छोड़ के अगले 3 साल तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और नॉट ऑनगोइंग का मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है, आज शुरू हुआ आज ही खत्म। अगर मेरा नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और मेरे पास अनस्पेंट अमाउंट है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर वो फंड में चला जाएगा Schedule 7 के, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही तो है, सही है सुनीता, सही है। बट अगर मेरा ongoing है, ongoing मतलब चलते ही जा रहा है, ongoing मतलब चलते ही जा रहा है, ongoing मतलब जिस financial में शुरू हुआ उसको छोड़ के अगले 3 साल में वो खत्म, अगर उसमें unspent है
तो जितना अनस्पेंड है फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर फंड में जाएगा, अनस्पेंड अकाउंट में जाएगा, अनस्पेंड अकाउंट में, फंड में जाएगा, अनस्पेंड अकाउंट में जाएगा, अनस्पेंड। अनस्पेंड को यूज कितने टाइम में कर लेना है? 3 साल में, क्योंकि 3 साल में तो ऑनगोइंग ही खत्म हो जाएगा, कितने में यूज कर लेना है? 3 साल में। पर भाई तुम उसको 3 साल में भी यूज नहीं कर पाए तो फंड में जाएगा, वो अकाउंट में जाएगा, फंड में किस में जाएगा मेरे बच्चे? फंड में किस में जाएगा? और फंड में कब जाएगा? 30 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ, जब 3 साल खत्म हो गए उसके 30 दिन के अंदर अंदर। क्या मुश्किल है? थोड़ा सा लर्न करने की ट्राई करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। खड़े हो जाओ एक बार, तुम जब खड़े हो जाओ, चले। हेलो नेहा जी, चलो देखो दो केस है, एक तो ऑनगोइंग, थोड़ा दूर दूर हो जाओ। YouTube वाले बच्चे, मैं देखो मेरी मन की आंखें तुम्हें देख रही हैं, मैं बता रही हूं लिटरली, मेरी राधिका निमिष मेरे मन की आंखें तुम्हें देख रही हैं, तुम मेरे से लॉयल रहो। देखो जिंदगी में तुमने बहुत धोखे दिए, जिंदगी में तुम्हें बहुत धोखे मिले हैं, पर मुझसे तो लॉयल रहो ना, मुझे बताओ क्यों? क्यों आरती, सही है या नहीं? भी यार की लाइफ इज ऑल अबाउट चीटिंग ना, कभी तुम किसी पे कर रहे हो, कभी तुम्हें तुम पे कोई कर रहा है, कभी तुम रो रहे हो, कभी तुम्हें मतलब किसी को रुला रहे हो, तो एटलीस्ट लॉयल रहो। अगर लाइब्रेरी में भी हो, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी ज्यादा से ज्यादा मम्मी क्या कहेगी, किस क्रू हिल गया, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों को भी पता तुम्हारी सच्चाई, उनको भी पता तुम कितने वाटर में हो, तुम्हें भी पता तुम कितने वाटर में हो, क्यों भाई? यस और नो? तो सोफिस्टिकेटेड बनने की ज्यादा क्या ही एक्टिंग करनी है ना भाई। आइए आइए, खड़े हो जाओ, मैं बता रही हूँ तुम्हें, सेल्फी भेज दो मुझे खड़े होके, मैं बता रही हूँ, ऐसे क्लिक करके ना भेज दो, सेल्फी सीरीज चलाते हैं, चलो आओ। लर्निंग सेल्फी सीरीज, हैशटैग लर्निंग सेल्फी सीरीज, चलो। कीप योर हैंड लाइक दिस, एक ऑनगोइंग और एक करो, नहीं हिलता नहीं शोल्डर्स, ये डांस वांस करना आता नहीं तुम्हें, पार्टी में तो भाई मटक मटक के नाच रहे थे। एक ऑन गोइंग एक, ठीक है। अब जो नॉट ऑन गोइंग है, जो क्या है? नॉट ऑन गोइंग, जो क्या है? जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके कितने टाइम में? 6 महीने के। उसके कितने टाइम में? 6 महीने के। वो पैसा कहां जाएगा? पैसा कहां जाएगा? फंड में, शेड्यूल 7 के फंड में। शेड्यूल 7 का फंड मतलब क्लीन गंगा फंड, बाहर बहुत सारे फंड जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई। क्या बात खत्म, क्या बात खत्म, क्या कोई दिक्कत? अच्छा, अगर नॉट ऑन गोइंग, अगर क्या है? नॉट ऑन गोइंग, क्या है? नॉट ऑन गोइंग, तो पैसा कहां जाएगा? पैसा कहां जाएगा करो, पैसा कहां जाएगा? कहां जाएगा? शेड्यूल 7 फंड्स में जाएगा ना मेरे बच्चे, नॉट ऑन गोइंग बोला मैंने। हाँ तो नॉट ऑन गोइंग, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी, ठीक है। आइए देखो, अनस्पेंड अमाउंट है, नॉट ऑन गोइंग है, नॉट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, पैसा कहां जाएगा? कब जाएगा पूछा ही नहीं मैंने धक्के से, कहां जाएगा? शेड्यूल 7 के फंड्स में, शेड्यूल 7 के। ये देखो, ये यू नो स्टेप्स बन रहे हैं ना, सीखो यार, लर्न कंपनी लॉ डांस क्लास भाई। अब किसी की शादी में संगीत परफॉर्मेंस में तुम्हें कोरियोग्राफर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कहां जाएगा? शेड्यूल 7 फंड्स में। अच्छा कितने टाइम में जाएगा? विद इन 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मेरे को तो, जब मेरे को शर्म आ रही है, तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? मेरा तो लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा, हद हो गई तुम्हें भाई, ये तुमने ना कमरे हिलती नहीं है इनसे। पैसा कहां जाएगा? अनस्पेंड है, ऑन नॉट ऑन गोइंग, नॉट ऑन गोइंग, पैसा कहां जाएगा? शेड्यूल 7 फंड्स में। कहां जाएगा? शेड्यूल 7 फंड्स में। कितने टाइम में जाएगा? 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अनस्पेंड वाला याद हो गया, ऑन गोइंग नॉट ऑन गोइंग वाला, ऑन गोइंग, ऑन गोइंग मतलब चलते ही जा रहा है। ऑन गोइंग का मतलब क्या है कि भाई जिस साल तुम शुरू हुए थे ना, उसके बाद वाले 3 साल में तुम खत्म हो जाने चाहिए। जिस साल तुम शुरू हुए थे उसके अगले 3 साल में तुम क्या हो जाने चाहिए? खत्म। तो भाई मेरा अनस्पेंड पड़ा ऑन गोइंग में, अनस्पेंड पड़ा ऑन गोइंग में, पहले कहां जाएगा? पहले रुक तो जाओ, पहले फंड में जाएगा या पहले अनस्पेंड अकाउंट में जाएगा?
पहले अनस्पेंड, पहले फंड में या अनस्पेंड में? पहले अनस्पेंड में, पहले फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर। अनस्पेंड में कितने टाइम के लिए पड़ा रहेगा? अनस्पेंड में कितने टाइम के लिए पड़ा रहेगा? 3 साल के लिए। अच्छा, 3 साल में यूज कर लिया तो ठीक, 3 साल में यूज नहीं कर पाए अब कहां जाएगा? अनस्पेंड में, फंड में? फंड में कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अब कोई बच्चा ये आके बोल दे कि मेरे को लर्न नहीं हुआ, ये मेरा चैलेंज है। अब मतलब मुझे ऐसा लगता है अब कोई ये नहीं बोल सकता कि मैम मेरे को लर्न नहीं हुआ, भाई तुमसे बाल नहीं संभल रहे अपने, हद हो गई। हाँ जी बताओ बताओ, यूट्यूब वाले बच्चे हो गया लर्न? तुम्हें हो गया भाई? हो गया? हर्षित आओ सुनाओ यार, आजो आजो, हर्षित आके सुनाएगा, ठीक है? आओ हर्षित, स्वागत तुम्हारा इस मंच पर, तुम बैठ जाओ भाई, तुम बैठ जाओ। ये अनस्पेंड अमाउंट के दो केस बनते हैं, एक तो वो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट करता है और एक नहीं करता है। तो हम पहले बात करते हैं कि अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट नहीं करता है तो उस केस में कंपनी का अगर कोई अनस्पेंड अमाउंट है तो वो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपके स्केड्यूल 7 के फंड्स में चला जाता है, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं। और अगर आपका जो CSR है वो रिलेट करता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से तो वो विद इन 30 डेज उसमें CSR अनस्पेंट अकाउंट में जाता है। और उसके बाद हमारे पास 3 साल तक का टाइम होता है उसको यूज़ करने के लिए। अगर वो 3 साल में यूटिलाइज नहीं होता है तो उसके बाद उसको हमें उसमें स्केड्यूल 7 के फंड्स में ट्रांसफ़र करना होता है। कितने? 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बच्चे 7 है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, वेट अ वाइल, वेट अ वाइल। वेट अ वाइल मेरे बच्चे, सेवन है मेरे बच्चे, 7 है। ठीक है, चले आगे। लर्न हो गया ना सबको? एक बार लास्ट बार बता दो, देखो नॉट ऑन गोइंग है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर, ऑन गोइंग है तो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 30 दिन के अंदर। बट फंड्स में नहीं जाएगा, वो अनस्पेंड अकाउंट में जाएगा। फिर अनस्पेंड अकाउंट में गया, 3 साल के लिए वहां पड़ा रहा, अगर वहां भी यूज नहीं किया तो जैसे 3 साल खत्म होंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल 7 के फंड्स में। क्लियर है मेरे बच्चे यहां तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी? मेरे को एक बात बताओ, चले आइए। अब पेनल्टीज आती है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। सर्टेन एक्टिविटीज नॉट अमाउंट टू, भाई कुछ कुछ एक्टिविटीज CSR नहीं मानी जाएंगी। अब नॉर्मली यार गोलगप्पे पसंद है सबको? खाते हो? नहीं खाते? बहुत पसंद है हाँ? अच्छा, किसके पसंद है? मतलब ये जो बाहर स्टॉल्स लगते हैं उनके, या जो मॉल वगैरह में बीकानेर वगैरह के होते हैं जो बाहर स्टॉल्स लगते हैं उनके? हीरा स्वीट्स के गोलगप्पे पसंद है। ओके हैं? अच्छा, दिल्ली में बेकार गोलगप्पे? ओके, मयूर विहार के बाहर गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। कितने रुपए के मिलते हैं भाई ये? कहाँ से 10 में 4 कहाँ से मिल गए? ये तो ये स्कैम चल रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब नॉर्मली मैंने सोचा यार देख अब गोलगप्पे तो हर कोई खाता है, और भाई सब लड़कियों को बोला जाता है कि बोलो गोलगप्पे ज्यादा खाती है, खाते ज्यादा लड़के हैं। मतलब नॉर्मली बोला जाता है ना कि लड़कियों को गोलगप्पे पसंद है, भाई इन लड़कों को खड़ा कर दो। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने सोचा यार देख चाहे लड़का है चाहे लड़की है, बूढ़े लोग हैं जवान लोग हैं कुछ भी है, भी गोलगप्पे तो सब खाते ही हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं 10 के 4 गोलगप्पे रखूं, और जो 50 के खा लेगा उसे 10 गोलगप्पे फ्री। 10 के 4 गोलगप्पे, और अगर तुमने मिलके भी मतलब 5 लोगों ने भी अगर 50 के खा लिए तो 10 गोलगप्पे फ्री। और उसके बाद मैं कह रही हूँ ये CSR तो है, लोगों का भला ही तो कर रही हूं मैं, हद हो गई। मेरे को बता तुम्हें एक ही गोलगप्पा एक्स्ट्रा खिला के क्या तुम्हारा भला नहीं कर रही मैं? हद हो गई, क्यों नो? एक से भला, चलो मैंने कह दिया 10 रुपए के गोलगप्पे खाओ 10 गोलगप्पे फ्री,
और बताओ, इससे ज्यादा भला मैं लुट जाऊंगी? मेरे को एक बात बताओ। हाँ जी, सोच क्यों? मेरे को एक बात बताओ, भूखे लोगों को खाना खिलाना क्या सोशल सर्विस नहीं है? अच्छा, इट्स नॉट असेंशियल, इट्स नॉट असेंशियल। भाई गोलगप्पे खाने इज असेंशियल इन लाइफ यार। 10 दिन ना खाओ तुम, 11वें दिन तुम जी नहीं पाओगे, तुम्हें होगा जाओ खा कर आए। हद कर दी यार। अब इधर देखो, मतलब क्या है मेरे बच्चे, ये मैं अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, यस और नो? अपनी सर्विस की सेल बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, मैं अपने, थैंक यू भैया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चाहिए? अच्छा अच्छी, हाँ ये देख लो पहले। तो उस केस में मुझे बताओ, क्या मेरे बच्चे यहाँ पे वो CSR होगा? नहीं, वो नहीं होगा। आप अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, अपनी सर्विस की सेल बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो आप। भाई मेरा तो रोज का काम है ये काम करना, मैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स को ही काम कर रही हूँ। दिस विल नॉट अमाउंट टू CSR। सेक्शन 182 पढ़ा था, पॉलिटिकल पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन विल नॉट अमाउंट टू CSR। मैं थाईलैंड जा रही हूँ, थाईलैंड में मैं अमाउंट स्पेंड कर रही हूँ आउटसाइड इंडिया, दैट इज नॉट CSR। भी देश में करो, देश की मिट्टी, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, अपने देश की धरती पे करो, यस और नो? आओ बस। अरे ये तो अभी 6 तरीकों का पानी पे डिस्कशन होने लग गई। हद यार तुम मेरे को बता अभिषेक, हद कर दी यार तुमने। यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट यार। ध्यान से देखो, CSR activities done outside India except for training of Indian sports personnel। अब मेरे बच्चे देखो, इंडिया से इंटरनेशनल लेवल्स पे जो खेलने जाते हैं उन पे भी तो खर्चा होता है ना। अगर वो आप स्पॉन्सर कर रहे हो वो ठीक है, बिकॉज वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अदरवाइज आप बाहर कोई खर्चा करोगे तो वो CSR नहीं होगा, वो CSR नहीं होगा। अगर आप कुछ कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, किसके बेनिफिट के लिए? अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, तो वो भी CSR नहीं होगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन भी CSR नहीं होगा। कोई दूसरा एक्ट आप पे मेरे बच्चे कोई फाउंडेशन लगा रहा है और आप उसके उसके अंडर आप बेसिकली काम कर रहे हो, तो वो भी CSR नहीं होगा। नॉर्मल कोर्स में आप काम कर रहे हो, वो भी CSR। आप एक एग्जाम्पल, बीच में क्या आया था मेरे बच्चे, COVID-19 पे ये था कि अगर आप COVID-19 की वैक्सीन पे रिसर्च करते हो तो वो भी इट विल अमाउंट टू CSR, है ना? तो क्या टाइम टू टाइम ना इंस्ट्रक्शंस आती रहती है, नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, क्योंकि उस टाइम देश को बहुत जरूरत थी वैक्सीन की, यस और नो? उस पे रिसर्च करने वालों की देश को बहुत जरूरत थी, तो उन्होंने बोला अगर आप ये भी करते हो ना, ये भी CSR के अंदर है। मतलब बहुत सारी यार एक्टिविटीज चलती हैं, स्वच्छ भारत, उसने कहा था कि अगर आप स्वच्छ भारत की स्कीम के अंदर भी कुछ करते हो ना, वो भी CSR है। तो अभी भी चल रहा है, इवन अगर आप 22-23 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, इसमें भी अगर आप कोविड के लिए करते हो, दैट विल अमाउंट टू CSR। उसके बाद नहीं, बिकॉज उसके बाद तो खत्म हो गया और भगवान करे कभी आए ना। तो मतलब क्या है, टाइम टू टाइम क्या नोटिफिकेशन निकलती रहेंगी, तो वहां गवर्नमेंट बताती रहेगी भी क्या क्या CSR है, क्या क्या नहीं है। बट अभी के लिए ये CSR नहीं है। कितने कितने, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, खड़े हो जाओ जल्दी, जस्ट स्टैंड अप। दोबारा बता रही हूँ। तुमने इंडिया के बाहर जाकर, दान दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई करना तो इंडिया में करो, यस और नो? बिल्कुल। उसके बाद तुमने अपने एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट किया, तुमने अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ दिया जिससे एम्प्लॉय को बेनिफिट हो, इससे देश को बेनिफिट कैसे हुआ? तुम खुश, तुम्हारा एम्प्लॉय खुश, तरक्की तुम्हारी कंपनी की, सोसाइटी को क्या लेना देना इससे? यस और नो? सोसाइटी को तो कुछ लेना देना नहीं है। तुमने एरोप्लेन में, तुम बाहर गए, करो ना, ये एरोप्लेन है, ये तो नागिन है, सॉरी, एरोप्लेन, हाँ एरोप्लेन, यस आई एम सॉरी, ये यू नो दिस इज बटरफ्लाई, ऐसे ये वाला एरोप्लेन करो, दिस इज गुड। तुम एरोप्लेन में बाहर गए, तुम कर ले हर्षित नलायक, रख दो बुक उसको, पढ़ नहीं रहे हो तुम, ये सामने लिखी हुई है, हद हो गई। तुम एरोप्लेन में बाहर गए, क्या माना जाएगा? CSR माना नहीं जाएगा। अच्छा, बट अगर मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए तो माना? तुम्हारे मैच का क्या हुआ हर्षित, जीत गए? अच्छा, अरे उसके मैच के बारे में पूछ रही हूं मैं,
अच्छा, चलो ठीक है, ओके। अब आप बाहर गए वो कंसीडर नहीं होगा। भाई तुमने तुमने चलाक लोमड़ी बनके, तुमने चलाक लोमड़ी बनके अपने इंप्लॉय को खुश कर दिया। भाई सोसाइटी को खुश कौन करेगा, यस और नो? भाई अपने इंप्लॉय को खुश कर दिया, सोसाइटी को भी तो खुश करना पड़ेगा। तीसरा, केजू को तुमने काजू कतली दी, केजू को तुमने काजू कतली दी, क्या मेरे को बताओ क्या वो सीएसआर में आएगा? वो सीएसआर मतलब पॉलिटिकल पार्टी भी सीएसआर में नहीं आएगा। उसके बाद तुमने 10 गोलगप्पे में 5 फ्री कर दिए, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स है भाई गोलगप्पा बेचना, क्या सीएसआर में आएगा? सीएसआर में नहीं आएगा। किसी और एक्ट के अंदर तुम्हें ये करना था तो तुमने किया, इसलिए नहीं कि तुमने सोसाइटी के लिए करना है, क्योंकि वो फाउंडेशन आ गई थी। तो क्या मेरे बच्चे वो सीएसआर में आएगा? वो सीएसआर में क्लियर है यहां तक? भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरे को लगा नेहा का बर्थडे है, मैं नेहा के लिए गिफ्ट ले आई, नेहा का बर्थडे नहीं निकला, निकला आरती का। अब वो गिफ्ट आरती के लिए थोड़ी कंसीडर होगा भाई, लाई किसके लिए थी मैं? नेहा के लिए। भाई एक्ट में क्या लिखा था फिर उस एक्ट के अंदर करना है, तो मैं सीएसआर में क्यों जाऊं? यस और नो? यार इमोशंस भी तो होते हैं कुछ, हाँ या ना? अब मेरे को एक बात बताओ, तुम एरोप्लेन पे बाहर गए, तुम क्या एरोप्लेन से बाहर नहीं, एरोप्लेन पे नलायक एरोप्लेन से, अच्छा चलो से पे जो भी, हाँ एरोप्लेन से ही जाओगे, चलो जाओगे कहाँ? कैनेडा। कैनेडा अभी भी तुमने कैनेडा जाना है सीएस करने के बाद भी? अच्छा घूमने जाना है, अच्छा मेरे को भी ले जाना यार, जाओ कोई तो आओ। ठीक है मेरे को बात, तुम एरोप्लेन से बाहर गए, क्या सीएसआर में आएगा? केजू को काजू कतली दी, क्या सीएसआर में आएगा? 10 गोलगप्पे पे 5 फ्री किए, क्या सीएसआर में आएगा? देखो भाई ये 3 तो इजी थे, लर्न हो गए, चौथा वाला कौन सा है? हाँ मतलब किसी और स्टैट्यूटरी एक्ट में अंदर ऑब्लिगेशन है, तुम सीएसआर कह सकते हो नहीं। पांचवा कौन सा है? अपने इंप्लॉय के लिए, अपने इंप्लॉय के लिए कुछ किया तो बाहर नहीं आएगा, बाहर। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके एक बार दोबारा हो जाए। एरोप्लेन से बाहर गए, क्या सीएसआर में आएगा? स्पोर्ट्स के लिए मतलब स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर रहे हो, आएगा। केजू को काजू कतली दी, क्या सीएसआर में आएगा? 10 पे 5 गोलगप्पे फ्री, क्या सीएसआर में आएगा? स्टैट्यूट किसी और एक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन थी, सीएसआर का नाम दे सकते हो? उस एक्ट को क्या नाम दू जो उस एक्ट का नाम है, उसको सीएसआर का नाम नहीं दे सकती। भाई तुमने अपने लोगों के लिए कुछ किया, माना अपने तो अपने होते हैं पर बाहर वाले भी तो कुछ होते हैं, सोसाइटी भी तो कुछ है, यस और नो? क्या वो सीएसआर में आएगा? नहीं 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 आएगा। क्लियर है? क्या ट्रिकी क्वेश्चन है राधिका? अनुभव क्या मेरे बच्चे, यहां तो शो ही नहीं हो रहा, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का पक्का एक बार यहां तक पढ़ लो जितना करवाया, फिर आगे चलते हैं, फटाफट से चलो, जल्दी 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 बैठ जाओ। She is asking in kind, कर सकते हैं, करते हैं मेरे बच्चे बात, इसके बारे में भी करते हैं। बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये डिपेंड करता है मेरे बच्चे की वो सोसाइटी में इंपैक्ट कैसा कर रहा है। अब मान लो मेरा नॉर्मल कोई बिजनेस है, ठीक है, अब मैं उस बिजनेस को फ्री में अपने प्रोडक्ट्स बांट रही हूँ, फ्री में सर्विसेज बांट रही हूँ, तो वो आ जाएगा ना सीएसआर इन काइंड वैलिड है या नहीं? अगर मैं कहती हूँ सीएसआर काइंड वैलिड है तो वो हो जाएगा, अगर मैं कहती हूँ सीएसआर इन काइंड वैलिड नहीं है तो वो नहीं होगा, डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे बच्चे करते हैं बात, सीएसआर काइंड में हो सकता है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ये, पर मैं आंसर नहीं बताऊंगी इसका। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, एम्प्लॉय के पापा का इलाज वो सीएसआर में थोड़ी आएगा, बट अगर आप कैंसर हॉस्पिटल ही खोल देते हो वो सीएसआर में आएगा। सीएसआर का मतलब एक जने का भला करना इज नॉट सीएसआर, एक जने का भला करना इज नॉट सीएसआर, सीएसआर इज लोगों का भला करना मेरे बच्चे, लोगों का भला करना। मैम अगर एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो सीएसआर, बट सैलरी तो मिलेगी ना उसको, सैलरी क्यों नहीं मिलेगी? हाँ वो बता दे ना मार्केटिंग बेनिफिट वाला,
हाँ उसका रहता है अभी सीएसआर इन काइंड वाला रहता है, मैं आंसर दूंगी रुक जाओ उसका थोड़ा सा। चले आगे पढ़ लिया यहां तक, आइए। ओह शिट, वो क्या कह रहा है कि अगर एरोप्लेन से बाहर गए हो तो सीएसआर नहीं आएगा, सीएसआर नहीं आएगा। अच्छा केजू को काजू कतली दिया तो भी सीएसआर, उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को सीएसआर का नाम नहीं दे सकते, उसके बाद ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसमें भी नहीं आएगा, और इंप्लॉय के बेनिफिट के लिए किया तो वो भी, यहां तक ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, एक सवाल है मेरा एंड में पूछूंगी। अब मेरा एक सवाल, मुझे एक बात बताओ। देखो हमने विशाल और विशाली की शादी करवाई थी, शादी हो गई भी, दोनों की एज अच्छी थी, शादी हो गई। अब अगर किसी कारणवश इनकी शादी टूट जाती है तो प्यार तो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? दिल में यादें तो रहेंगी नहीं रहेंगी, तुम बताओ मुझे एक बात बताओ। कि जब ब्रेकअप तो हुआ होगा तुम में से लोगों का किसी का कि नहीं हुआ? सबने रब ने मिला दी जोड़ी है। अब तुम मन में यादें रहती है नहीं रहती? यूट्यूब वाले बच्चों तुम बताओ, तुम मुझे एक्सपीरियंस लगते हो। उतनी देर में मेरी कॉफी भी खत्म हो जाएगी, चलो फटाफट। नहीं रहती, बच्चे कह रहे हैं मैम रहती ही नहीं। भाई तो टाइम पास कर रहे थे फिर हद हो गई, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब मेरे को एक बात बताओ, नहीं अब मेरे को एक बात बताओ, वो क्या कहते हैं, अगर तुम एक बार सीएसआर के लिए क्वालिफाई हो गए ना, अगर तुमने एक बार अपना दिल किसी को दे दिया ना, फिर इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला। ध्यान से, अगर तुमने एक बार अपना दिल किसी को दे दिया ना, एक बार अगर तुमने अपना दिल किसी को दे दिया, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। एक बार अगर तुम सीएसआर में आ गए तो वहां से जाना आसान नहीं है, वहां से जाना आसान। अगर मैं एक बार सीएसआर में आती हूं ना तो मेरे को कम से कम 3 साल उसको फॉलो करना पड़ता है। कितने साल? अगर मैं ये कहूं पिछले साल मैं सीएसआर में एलिजिबल थी, इस साल मैंने सीएसआर एक्सपेंडिचर किया होगा, इस साल मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो मैं अगर कहूं मैं अगले साल नहीं करूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को पिछले 3 साल देखना है, अगर पिछले 3 साल में एक भी साल में एलिजिबल थी ना, तो मेरे को इस साल करना है। ध्यान से, मतलब सीएसआर में आना तो आसान है पर जाना आसान, दिल लगाना तो आसान है पर निभाना आसान। सब देखो ये तो राइम बन गई यार, दिल लगाना तो पर निभाना आसान। ओह ग्रेट, अर्पिता सिंह 36 आएंगे 36 जाएंगे, मेरे वाला तो पापा लाएंगे। ओह क्या बात है, कोई बात नहीं अर्पिता, होता है। आइए कंपनी, आओ कंपनी सीज टू बी अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 फॉर 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से, अगर पिछले 3 सालों में तुम नॉन एलिजिबल हो ना, तब इस साल तुम्हें नहीं करना, पर अगर पिछले 3 साल में से 1 साल भी तुम एलिजिबल हो तो इस साल क्या सीएसआर करना है? हाँ या ना? अब ध्यान से, अब बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे को सीएसआर करना है या नहीं करना, ये पिछले साल पे डिपेंड करता है, पिछले 3 सालों पे डिपेंड करता है? अगर पिछले 3 साल में एक बार भी मैं क्राइटेरिया सेटिस्फाई करी हूं तो इस साल करना है, इस साल करना है? हाँ या ना? यस और नो? पक्का 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 यस मैम बोलना होता सुनीता, राइम नहीं तोड़नी होती। ध्यान से देखो, सीज टू बी अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 फॉर 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट रिक्वायर टू कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआर कमिटी और कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ 135। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? ये नहीं बोलते भाई, सच में तुमने दुखी कर रखा है। हाँ या ना? जहर लगते हो जब मेरे को ऐसी गंदी गंदी शक्लें बना के बैठते हो तो। मेरे बच्चे एक सेकेंड, देखो इसमें वो ये कह रहा है कि
आपको आज CSR का एक्सपेंडिचर करना है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि पिछले 3 सालों में आपका क्या स्टेटस था। मान लो पिछले 3 सालों में से 1 साल भी मैं एलिजिबल कंपनी बन रही हूँ, मतलब मेरी टर्नओवर या नेटवर्क तो जा रही है, तो इस साल मुझे करना है। मुझे इस साल कब नहीं करना, जब पिछले 3 सालों में मैं नॉन एलिजिबल हूँ। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि अगर मैं 1 साल एलिजिबल होगी तो मतलब अगले 3 साल मुझे करना है, ये भी तो बोल सकती हूँ ना। यस और नो, पक्का पक्का बोर तो नहीं हो रहे तुम? पता तो मुझे भी है, ठीक है, बट करना तो यार 5 नंबर है, दैट्स इट, जैसे मर्जी कर लो। रिकॉर्डिंग भी मेरी थी, वो हद कर दी शिवानी तुमने। ऐसा था, ठीक, कोई कर दो कॉप अप, कोई बात नहीं, आजो आजो आजो। मेरे बच्चे भी बता रही हूँ यार, लिपिका आ रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी पे आ रहे हैं, वेट वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल। अरे कंफ्यूजन मैं हूं ना, मेरे कोई बात बताओ, जब मैं तुम्हें आई गेस दिन में 50 बार ये बात बोलती हूँ कि क्लास से कंफ्यूजन लेके तुम नहीं जाओगे, तो थोड़ी सी तो शांति रखो भाई, थोड़ी सी तो शांति रखो। दोबारा समझा रही हूँ, हद कर दी तुमने। आओ एक एग्जाम्पल लेते हैं, खत्म होने वाली है क्लास मेरे बच्चे, खत्म होने वाली है, बस कुछ क्षण और हमारी क्लास समाप्त। चलो मेरे को यह था कि मुझे तुम्हारी क्लास कैंसिल नहीं करनी, बिकॉज 2 दिन से क्लास कैंसिल हो गई है। जस्ट 12:30 बजे मैं आई हूँ घर से, लाइक बैग भी मैं अपने साथ ही लेके आई हूँ, कि मैं अपने रूम पे भी नहीं गई, ऐसा कोई बात नहीं, क्लास लगा के डायरेक्टली यहीं से जाऊंगी। तो यार थोड़ा सा तो पढ़ लो यार, तुम भी थोड़े से तो एफर्ट्स लगा लो, तुम भी हद कर दिए तुमने। आओ मेरे बच्चे की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21, 21-22 एंड 22-23, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को सुन लेना, दैट्स इट, ठीक है। अब इधर देखो, वो कह रहे हैं, देखो मैं ना बहुत डेप्थ में करवा रही हूँ रिवीजन, मैं तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं ऊपर ऊपर से नहीं करा रही, क्योंकि ऊपर ऊपर से मैं मैराथन में करवाऊंगी, सीधी बात। और ऑब्वियसली मैराथन में तो फटाफट फटाफट चलेंगे ना, CSR की 3 घंटे की क्लास मैराथन में 30 मिनट में खत्म करनी है, तो वो 30 मिनट में तभी खत्म हो पाएगी मेरे बच्चे, जब तुम इस 3 घंटे का सुनोगे। अब क्या होता है, मैं बस 1 मिनट लूंगी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेरे बच्चे, पढ़ लिया ना एक बार, रिवीजन ऊपर ऊपर से करते हैं। अरे यार पहली रिवीजन तो इंटेप्थ होनी चाहिए ना, अगर मेरी पहली रिवीजन ऊपर ऊपर से है तो फिर मैराथन किस काम की, मैराथन में कब लगाऊंगी, मैराथन में लगाऊंगी लास्ट में, मतलब एक मेरा रिवीजन हो गई तो चलो अब मैराथन आओ। बट रिवीजन अगर मैं रिवीजन भी मैराथन जैसे ही करवाऊंगी तो फिर रिवीजन का फायदा ही क्या मेरे लिए भी आसान। देखो CSR को 1 घंटे में खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कर सकती हूँ, पर द थिंग इज मैं नहीं करूंगी, बिकॉज हर चैप्टर आपका इन डेप्थ ही रिवाइज होगा, बस मेरे को आपका साथ चाहिए, क्योंकि अगर आपका साथ नहीं है ना तो फिर मेरी फिर ये रिवीजन इस एनर्जी का कोई फायदा ही नहीं है। अगर तुम साथ हो तो ही काम हो सकता है मेरे बच्चे, क्लियर है? तो बस ये देखो यार, अभी तो हमें बल्ले बल्ले करवानी है अपनी, वो गाने ना हो जाएगी बल्ले बल्ले, बस वो अपने माइंड में रखो कि यार दिसंबर में करवानी है बल्ले बल्ले, बहुत बहुत मेहनत कर ली यार, अब सारी लाइफ एक ही चीज पे थोड़ी मेहनत करते रहेंगे, रिवॉर्ड भी तो चाहिए, और रिवॉर्ड मिलता नहीं है, रिवॉर्ड खींचना पड़ता है, अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है, और वो अपना टाइम लाने के लिए यू हैव टू वर्क लाइक हेल, यू लिटरली हैव टू वर्क लाइक हेल। तुम सोचो 24 घंटे में से 8 घंटे काम करने वाला आदमी बिलियनियर मिलियनियर बन जाए, कभी भी नहीं, हमेशा 24 में से 18 घंटे काम करने वाला आदमी बनता है मिलियनियर। और 18 घंटे का मतलब ये नहीं कि 18 घंटे लेबर करनी है, 18 घंटे का मतलब 6 घंटे काम करो, 12 घंटे काम कैसे करना है वो सोचो। ऐसे ही होता है यार, इट्स नॉट लाइक कि तुम क्लास में आ रहे हो, नहीं यार वो बात नहीं होती, क्लास में आ रहे हो तो ऑलवेज ट्रीट इट कि कल होना हो, मैं तो हमेशा ऐसे ही आती हूँ, कल होना हो, आज मेरे को अपना बेस्ट देना है, आज मेरे को पूरी एनर्जी से पढ़ाना है, आज मेरे को अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना, दैट्स इट यार। जब मन में हो ना कुछ करने का तो सामने कोई कोई ताकत रोक नहीं सकती कोई भी। अगर मेरे को ये ना यार मेरे को करना है, ट्रस्ट में मेरे को करना है, तो यार क्या हो गया,
क्या थके हुए हैं थोड़े से, क्या ही हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ यार। माइंड को चलाना, वही मतलब अरुण सर कह रहे थे ना, माइंड को चलाना आना चाहिए। सब चीज मेरे यहाँ है, सब चीज यहाँ है। अगर यहाँ ठीक है कि ऑन सीरियस नोट मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, टुडे आई वोक अप एट 6, कुछ मतलब राइटिंग सेशंस का काम वगैरह करवाना था, ट्रेन पकड़नी थी, यू नो जब ट्रेन पकड़नी हो तो रहता है ना कि यार फटाफट 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 काम करना है, तो फटाफट से उठे, टेंपल वगैरह होके राय सब्बे, ट्रेन पकड़ी, फिर 3 आवर्स ट्रेन में लगे, फिर उसके बाद यहाँ आके लगे। तो क्या मतलब मैं भी, मेरा माइंड भी तो मुझे ये कह रहा है कि शिवानी यू नीड रेस्ट, ऑन अ सीरियस नोट, जब मेरा माइंड भी तो ये कह रहा है कि यू नीड रेस्ट, बट द थिंग इज यार उस टाइम पे उसकी सुननी क्यों है, जब मेरे को पता है कि यार वो कोई बात नहीं, क्लास के बाद भी तो टाइम है ही, क्लास के बाद कौन सा टाइम नहीं है। इट जस्ट कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो। आपको लाइफ में एक एक पॉइंट पे नहीं रहना, आपको लाइफ में मल्टीपल ग्रो करना है। जहां तुम अभी हो ना उससे 100 गुना ज्यादा तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, पर उससे 100 गुना ग्रो करने के लिए तुम्हें अपने आप को पहचानना भी तो पड़ेगा ना कि तुम हो क्या, तुम कैसे काम करते हो, तुम्हारी बॉडी को क्या चाहिए, तुम्हारे माइंड को क्या चाहिए। इट्स नेवर लाइक कि 2 घंटे क्लास लगा ली हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। उस 2 घंटे में आउटपुट कितने का मिला वो भी सोचना होता है कि मैंने 2 घंटे लगाई आउटपुट मेरे को आधे घंटे का मिला, नहीं सही। 2 घंटे क्लास लगाई आउटपुट 4 घंटे का मिला वो सही है मेरे बच्चे। और हमेशा ये लर्न कर रहे हो चीजें, ये सीखने की चीजें हैं। लाइफ में आगे जाके आपको कोई ऐसे नहीं करवाएगा, सब तुम्हें क्या बोलेंगे कि यार तुम तो भाई प्रोफेशनल में हो, प्रोफेशनल में भाई यार हैं तो भी बच्चे, प्रैक्टिकल लाइफ तो भी नहीं देखी। Yes or no? But the thing is, you guys need to polish yourself. You guys need to brush up yourself. एक घंटा तुमने एक दिन मैराथन क्लास लगाई टेक्स की, अगले दिन मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ अगले दिन या तो बहुत सारे बच्चे घूमने गए होंगे, या पढ़े नहीं होंगे, या सोए होंगे। आई कैन बेट ऑन दिस, लिटरली आई कैन बेट ऑन दिस। मैराथन लगाई ना शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, सुबह 7 बजे मैराथन खत्म हो गई थी, पूरा दिन तुम्हारे पास पड़ा था। आई कैन बेट ऑन दिस 70% बच्चे उस दिन नहीं पढ़े होगा। आई कैन बेट ऑन दिस। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दो कि मैम मैं गलत हूं, सच है ना? क्योंकि यार ये हमारी साइकोलॉजी है, ये इस तरीके से हम काम करते हैं। ये अभी तो चल जाएगा, अभी बिल्कुल ओके है, अभी कोई दिक्कत नहीं। मैं भी होती तो मैं भी ऐसे ही करती, मैं खुद मैराथन के बाद अगले दिन छुट्टी कर देती हूं, ऐसे ही होता है। बट द थिंग इज, जब तुम किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना तो ऐसे काम नहीं चलते कि रात भर तुम्हारी मीटिंग चली और सुबह तुमने छुट्टी ले ली, थक गए जी रात भर मीटिंग हुई थी ना, ऐसे नहीं होता। तो चलो आओ आओ, आओ फटाफट से पढ़ाई की थी, जेईईएल का लेक्चर था। क्या बात है, क्या बात है। मेरे मामले में यू आर गोइंग रॉन्ग। मैं तो यार मैं तो चाहती हूं कि मैं रॉन्ग हूं, मैं तो चाहती हूं कि तुम सब बोलो कि मैम हम पढ़े थे, सच में मैं चाहती हूँ। यू नो मुझे अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे खुशी होगी कि हाँ मैं रॉन्ग हूँ भाई, मेरे बच्चे पढ़े थे। चलो आइए हम बह जाते हैं भावनाओं में। ये कौन सा साल था यार, साल कौन सा था, भुला दिया तुमने, बताओ। मैं भूल गई हूँ। बाईस तेईस होगा मेरे बच्चे, 21-22 है वो, हद हो गई। देखो 19-20 में, देखो 19-20 में मेरी नेटवर्थ थी मेरे बच्चे 600 करोड़, ठीक है। क्या 20-21 में सीएसआर का एक्सपेंडिचर करना है? नेटवर्थ 600 करोड़ है, क्या 20-21 में सीआर एक्सपेंडिचर करना है? नेटवर्थ 600 करोड़ है, क्या 20-21 में करना है, क्या 21-22 में करना है? अब बताओ यूट्यूब वाले बच्चे, सॉरी फटाफट से, क्या 21-22 में करना है? 21-22 में करना है, क्योंकि जब मैं 21-22 से पिछले 3 साल देखूंगी तो ये आ रहा है ना, करना है। क्या 22-23 में भी करना है? क्या 22-23 में भी करना है? क्या 23-24 में करना है? 23-24 में मैं देखूंगी कि इसमें इसमें या इसमें क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्लियर हो रही है चीजें, यस और नो? आई गेस अब ये प्रोविजन क्लियर हो गई। आई आगे चले, वो कह रहे द बोर्ड शेल इंश्योर दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अब मेरे बच्चे देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मतलब सीएसआर करने के लिए जो खर्चा हो रहा है,
जो सीएसआर को करने के लिए तो कुछ जर्नल एक्सपेंसेस होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, यस और नो? जो सीएसआर को करने के लिए जो ऊपरी खर्चा हो रहा है, बेसिकली जो ऊपरी खर्चा हो रहा है सीएसआर को करने के लिए, वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 5%. वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए मेरे बच्चे? 5%. 5% किसका? सीएस. मान लो मेरा 60 लाख सीएसआर का एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना जाना चाहिए? 60 लाख का 5% कितना? इनको नहीं पता. 3 लाख मैक्सिमम, 3 लाख. क्या यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यूट्यूब वाले बच्चों फटाफट से एक बार दिल बना दो फटाफट से. ये हद है रात बच्चे, अपने बायोडाटा बाद में देना. सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, अभी सीएसआर तो कर लो यार. हद कर दी तुमने, अभी इतना समझाया तुम लोगों को. एक बार और क्या? अरे पिता एक बार और क्या मेरे बच्चे, फटाफट से एक बार और क्या? ओपीसी के केस में क्या होगा? क्या ओपीसी एक कंपनी है? बस बात खत्म. मैम 19-20 में किया तो है मेरे बच्चे. देखो 19-20 में किया तो है, 19-20 में 600 करोड़ था, तो 20-21 में तो सीएसआर करना पड़ेगा ना मेरे बच्चे. 20-21 में तो सीएसआर करना ही पड़ेगा ना. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मतलब ऊपरी खर्चे, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन का काम मेरे को सीएसआर करना है. अब सीएसआर करने के लिए तो कुछ खर्चे करने जरूरी होंगे ना मेरे बच्चे, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मेरे बच्चे. वो कह रहे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स तुम कितने कर सकते हो? मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर. क्लियर हो गया बच्चे? अब क्लियर हो गया तो फटाफट बोलो. अब ये टॉपिक आ रहा था भाई जिसमें हरे को बहुत डाउट था, इंपैक्ट असेसमेंट. आइए देखो इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ. इंपैक्ट का मतलब प्रभाव. इंपैक्ट का मतलब भाई तुमने ये किया उसका इंपैक्ट क्या गया, दैट इज इंपैक्ट असेसमेंट. सीधी सी मतलब है. अब मेरे बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का एग्जाम्पल, लेट अस सपोज कोई भी काम है यार, ऐसे मेरे माइंड में नहीं आ रहा. कोई भी काम को करने के लिए ऊपरी खर्चे होते हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव, वो तो जरूरी है ना करने के लिए. अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पेट्रोल, वो तो होगा ही. दैट इज मतलब द थिंग इज कि वहाँ मान लो मैं साइट पे जा रही हूँ, वहाँ मेरा पेट्रोल खर्च हो रहा है, दैट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. बट आई डोंट नो, वो डिपेंड करता है केस टू केस. ऑन अ सीरियस नोट, अभी मेरे माइंड में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का तो कोई एग्जाम्पल अभी नहीं आ रहा, बट मैं आपको एक बार बताऊंगी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इलेक्ट्रिसिटी इज नेसेसरी उस प्रोजेक्ट को करने के लिए. यार एक मतलब मान लो तुम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, वहां इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरी है ना उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. हाँ अरे नहीं नहीं गूगल में एग्जाम्पल नहीं मिलेगा. चले आगे, चलो. अब इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव मतलब, अच्छा तुम्हारे मम्मी कहती होगी ना भाई उस दोस्त से तेरे ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है. हुआ है कभी ऐसा? हुआ है उसके साथ मत रहा कर यार, उसकी संगति अच्छी नहीं है. हुआ है कभी संगति? मतलब मम्मी को पता नहीं कि उसको भी बिगाड़ा तुमने ही है भाई. और तुम मतलब तुम हद क्या, तुम्हारे दोस्तों को बिगाड़ने के पीछे सबसे बड़ा तुम्हारा ही तो है, तुम्हें बिगाड़ने के पीछे उनका, उनको बिगाड़ने के पीछे तुम्हारा, और क्या. तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्या समझते, एकदम क्यूट इनोसेंट से बच्चे, पर तुम हो क्या? शैतान. भाई मैं सच बता रही हूँ, शैतान. यार तुमसे अच्छा कोई झूठ नहीं बोल सकता, मैं बता रही हूँ. घर वालों के बहाने तुमसे अच्छा कोई नहीं लगा सकता घर वालों के आगे. मेरे को बता दो झूठ है या नहीं. ऐसा बहाना लगाओगे ना ऐसा कि घर वाले भी सोचते रह जाएंगे, ऐसा है कि नहीं है? हर्षी तुम बताओ. अच्छे रीजन, अच्छा रीजन क्या, अभी मेरे को डांट ना पड़े, यही रीजन होता है उनको बुरा ना लगे. ठीक है भाई, तुम्हें तुम्हारे घर वाले तुम्हें शरीफ समझते हैं, पर तुम हो, पता तुम्हें भी है, पता मुझे भी है. ठीक है आइए, इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई तुमने सीएसआर का एक प्रोजेक्ट किया है, उस प्रोजेक्ट का जो तुम चाहते थे वो इंपैक्ट डला भी है या नहीं डला, दैट इज इंपैक्ट असेसमेंट. अब मेरे को एक बात बताओ ध्यान से, तुमने लंगर लगाया, अब लंगर का इंपैक्ट असेसमेंट क्या होगा भाई? जो भूखा था उसका पेट भर गया, इसमें इंपैक्ट असेसमेंट क्या करोगे भाई? मेरे को एक बात हो, मेरे को भूख लगी थी, मैंने खाना खा लिया, अब मेरे से आगे पूछोगे पेट भरा या नहीं, भाई तो पागल है क्या? खाना खाया तो पेट तो भरेगा ही, प्यास लगी थी पानी पिया तो प्यास तो बुझेगी, दिमाग विमाग ठीक है तुम्हारा? उसका क्या इंपैक्ट असेसमेंट होगा?
इम्पैक्ट असेसमेंट एक बड़े प्रोजेक्ट का होगा, एक छोटे प्रोजेक्ट का होगा? एक बड़े प्रोजेक्ट का होगा ना, येस और नो? वो क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारी एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन, शब्दों पे जाइएगा, शब्दों पे वाह वाह करो, इरशाद, सॉरी इरशाद होता है, वाह वाह तो होता ही नहीं, आई एम सॉरी, इरशाद, अगर तुम्हारा एवरेज सीएसआर एक्सपेंडिचर पिछले 3 सालों में वाह वाह, तुम्हें शेर सुनने की आदत नहीं है क्या, हद हो गई, अगर तुम्हारा एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन पिछले 3 सालों में 10 करोड़ या उससे ऊपर है, कितने से ऊपर है, 10 करोड़ या उससे ऊपर है, तो तुम्हें क्या करवाना है, इंपैक्ट असेसमेंट, क्या करवाना है, इंपैक्ट असेसमेंट पर हर एक प्रोजेक्ट का नहीं करवाना है, उसी प्रोजेक्ट का करवाना है जिसमें तुम्हें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लगे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा। आइए इधर आओ शिवानी, आओ शिवानी, हाँ वो राइटिंग सेशन के ना 2 बैच बन चुके हैं तो करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन। आइए अब मान लो ये हमारी शिवानी, इधर आओ, ठीक हो तुम, इधर देखो, यहाँ दोगी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इधर देखो, मैं ये शिवानी है, मैं भूल ही गई मैं क्या बोल रही थी, वेयर वॉज आई, 10 करोड़, हाँ। अब मान लो इसकी कंपनी है, अगर इसकी कंपनी का पिछले 3 सालों में एवरेज सीएसआर अमाउंट 10 करोड़ है तो इसको सीएसआर इंपैक्ट असेसमेंट करानी है, ठीक है, पर किसकी इंपैक्ट असेसमेंट कराएगी, प्रोजेक्ट की करवाएगी ना इंपैक्ट असेसमेंट। अब वो कह रहा है कौन से प्रोजेक्ट की जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लगे हैं, ध्यान से, अगर मेरा सीएसआर एक्सपेंडिचर पिछले 3 सालों में 10 करोड़ आ रहा है तो क्या शिवानी को इंपैक्ट असेसमेंट करवानी है, हर प्रोजेक्ट की करवानी है या उस प्रोजेक्ट की करवानी है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लगे हैं? जी बैठ जाओ, क्या कुछ इजी, कुछ इजी, इजी तो है यार। देखो, इफ सी एस आर प्रोजेक्ट हैविंग आउटले ऑफ 1 करोड़ और मोर प्लस मे हैव नॉट कंप्लीटेड इन 1 ईयर, मतलब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हो गया ना, नॉट कंप्लीटेड इन 1 ईयर का क्या मतलब हो गया मेरे बच्चे, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, हैव नॉट कंप्लीटेड इन 1 ईयर है ना मेरे बच्चे, तो ऑन गोइंग हो गया ना, तुमने ऐसे इंपैक्ट असेसमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बनाया हुआ था, है क्या इंपैक्ट असेसमेंट भाई, यूट्यूब वाले बच्चों मुझे बताओ तुम्हें सीएसआर मुश्किल लगा है, मेरे को बताओ, हमें 15 मिनट हो गए हैं सीएसआर पे, 15 मिनट हो गए पूरे, क्या मुश्किल लगा है सीएसआर मुझे बताओ जरा, तुम पता भी नहीं चला 5 महीने, सॉरी 5 मिनट कहां चले गए बताओ, दोबारा बताते हैं, दोबारा बताते हैं, टेंशन नहीं लेनी, आइए ये सीएस कंपनी लॉ नहीं, आसान इंटरप्रिटेशन का दरिया है और डूब के जाना है भाई, एक ही शेर, चलो हमने इसको एक यूज पिछले वाले में भी तो यूज किया था ना, ऐसा कहाँ यूज किया था, हाँ कि ये फेलो नहीं आसान, एसोसिएट का दरिया है, 5 साल के लिए डूब के जाना है इंडिया में प्रैक्टिस करते हुए, याद है, याद है, आइए चलो अब एक बार दोबारा वो कह रहा है ब्रो मुझे एक बात बताओ, तुमने एक काम किया, तुम्हें लगा तुमने अच्छा किया, कई बार होता है ना हम अच्छा करने जाते हैं किसी का हो बुरा जाता है, होता ऐसी बार नहीं होता भाई, हम कुछ अच्छा करने जाते हैं रिटर्न हमें गालियां मिल जाती हैं, हम तो भाई तुम्हारा भला करने आए थे यार, हद हो गई, होता नहीं होता, मतलब बहुत बार ऐसा होता है, अब हम हमारी इंटेंशन अच्छी बट हमारा इंपैक्ट ही गया नेगेटिव गया, हमारा इंपैक्ट नेगेटिव गया, कंपनी है, कंपनी भाई कुछ करने जा रही है, कंपनी ने सीएसआर एक्सपेंडिचर की है, और कंपनी देखेगी भाई मैंने इतना मोटा पैसा लगाया यार, 10 करोड़ 1 करोड़ भी इंपैक्ट क्या गया सोसाइटी में, इंपैक्ट असेसमेंट होगी, इंपैक्ट असेसमेंट कौन सी कंपनी करवाएगी जिसका 3 साल में एवरेज सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना आया है, 10 करोड़। अब भाई मेरा एक्सपेंडिचर 10 करोड़ है, जरूरी थोड़ी है कि 10 का 10 करोड़ मैंने एक ही प्रोजेक्ट में लगा दिया हो, क्या हर प्रोजेक्ट में अलग अलग पैसा लगाया हो सकता है, बिल्कुल लगाया हो सकता है, हर प्रोजेक्ट का इंपैक्ट असेसमेंट करवाऊंगी, क्या हर प्रोजेक्ट का इंपैक्ट असेसमेंट कराऊंगी, नहीं, उस प्रोजेक्ट का किसमें जिसमें 1 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा लगे और वो प्रोजेक्ट 1 साल से कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हो गया ना मेरे बच्चे, और सीएसआर मेरे को एक बात बताओ, सीएसआर मेरे बच्चे जो इंपैक्ट असेसमेंट करेगी वो एक इंटर इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, यस और नो, क्या होगी राजे, एक इंडिपेंडेंट,
देखो थ्रू एन इंडिपेंडेंट क्लियर हो गया मेरे बच्चे, इजी लग रहा है ना सब, मुश्किल तो नहीं लग रहा, आइए लर्न हो रहा है साथ साथ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, लर्न हो रहा है ना पक्का, अभी अभी पता चलेगा ये तो, हाँ हाँ कह रहे हो ना यूट्यूब वाले बच्चों। सवाल मेरा एक वही का वही, सवाल मेरा एक वही का वही, क्या सीएसआर काइंड भी हो सकता है? सीएसआर काइंड भी हो सकता है, काइंड में, काइंड में मेरी बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है, बिस्किट नहीं बिस्कुट, ध्यान से बिस्किट नहीं, इट्स नॉट बिस्किट इट्स बिस्कुट, मेरी बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है, पार्ले जी बनाती हूँ मैं 5-5 रुपए के, मैंने मेरी सीएसआर ऑब्लिगेशन आई, मैंने पेटियों की पेटियां पार्ले जी बांट दी है बाहर, इज दिस सीएसआर काइंड में है ना, काइंड में किया, क्या सीएसआर काइंड में हो सकता है? यस 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 यस, कौन कह रहा है यस? ओके, जो यस कह रहा है विद लॉजिक, जो नो कह रहा है विद लॉजिक, लॉजिक से लॉजिक से लॉजिक मिलाओ, ताल से ताल मिला, आई नो बहुत बेसुरा था बट प्लीज बेयर इट। ओके, बाटर कैसे हो जाएगा भाई? बाटर का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या तुमने कौन से गुड्स एक्सचेंज किए हैं लायको, पार्ले जी दे के उसे गुड्डे लिया है? ओके, लॉजिक है, क्या लॉजिक है बताओ बताओ राधिका, तुम बताओ, ये अभी ना बाद में ताल से ताल मिलाना सजना की, पहले आंसर दो ये सुनो। ऐसे कोई भी कंपनी कुछ भी करे सीएसआर बोल देगी बिल्कुल बिल्कुल आयुषी मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके हाँ बिल्कुल हो सकता है आरती, आरती ने बहुत अच्छा बोला, इरेडिकेटिंग हंगर, भूखी मरी को भगाना, भूखमरी को भगा रहे हो तो भाई जब मेरी चाउमीन की रेडी है तो मैं चाउमीन खिला दूं क्या भाई? सही, अभी देखो अगर मैं बिस्किट में बांट रही हूँ पैसे तो मेरे लगे ही हुए हैं ना उस पे, फिर नॉर्मल कोर्स में रोज फ्री में बांटती हूँ, नहीं कर सकते मेरे बच्चे, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या लिखा है कि आपको 2% खर्चा करना पड़ेगा, लॉ में क्या लिखा है कि यू हैव टू स्पेंड दैट 2%, ध्यान से लॉ में क्या लिखा है, यू हैव टू स्पेंड दैट 2%, आईसीएसआई में FAQs आते हैं, मिनिस्ट्री क्लैरिफिकेशन लॉन्च करती है, उस क्लैरिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप काइंड में नहीं कर सकते मेरे बच्चे, क्योंकि यू हैव टू स्पेंड दैट अमाउंट, आइए लिखवाती हूं मैं, हॉस्पिटल बनवाया काइंड हुआ बिल्कुल, कौन इंटेलिजेंट इंसान बोल रहा है हॉस्पिटल काइंड में बनता है, लेबर्स को क्या मेरे बच्चे लेबर्स को पैसे नहीं जाएंगे क्या, हद हो गई, और आजकल हॉस्पिटल 5-स्टार होटल से यू नो आलिशान बनते हैं, एक मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रही थी, उसने बोला था कि हॉस्पिटल के नीचे उनके हल्दीराम खुला हुआ था, आई डोंट नो तुमने देखी है या नहीं देखी, हॉस्पिटल के नीचे हल्दीराम, भाई हद हो गई यार, थोड़ी बहुत ही तो शर्म कर लो, आइए लिखिए, सेक्शन 135 प्रिस्क्राइब्स, शेल इंश्योर दैट कंपनी स्पेंड्स, मतलब उसमें एक वर्ड है कि कंपनी कितना स्पेंड करेगी 2%, कंपनी कितना स्पेंड करेगी मेरे बच्चे 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, यस 5 years, 5 years, 3 years, 3 years, 2%, सही तो है, शेल इंश्योर दैट कंपनी स्पेंड, इसका मतलब के हेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन काइंड इज नॉट अ सीएसआर एक्टिविटी, द कंपनी हैज टू स्पेंड द अमाउंट, चले बच्चे आगे, अच्छा अगर सरप्लस फंड आ रहा है तो कितने के लिए हो गए मेरे बच्चे,
अगर सरप्लस मैं मेरी ऑब्लिगेशन 20 करोड़ की है, मैं 30 करोड़ लगा रही हूँ, तो 10 करोड़ एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, वो 10 करोड़ कितने टाइम के लिए सेट ऑफ कर सकती हूँ? अगले 3 साल के लिए। यहाँ तक ठीक है? पक्का पक्का एक एक्स्ट्रा चीज करा दूँ, एक एक्स्ट्रा चीज अगर तुम इजाजत दो तो। बताओ यूट्यूब वाले अच्छो, अगर तुम इजाजत दो तो एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज छुटकू सी करा दे। अच्छा पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आज मंडे है ना? वो भी तो करवाने हैं तुम्हें, वो क्लास के बाद ही करवा दिया करे। नहीं नहीं क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन है ना, क्लास के बाद ही करा दे कि अलग से शाम को क्लास ले ले? नहीं अलग से क्लास लेंगे। चलो आइए, चलो लेट्स गो। ओके अब मेरे को कह रहा भाई देख, अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जा छोटी सी बात है, छोटी सी गोलमो है, इतनी बड़ी कंपनी है, छुपा तो है नहीं तुमसे कुछ। गोलमो महीने का 100 करोड़ कमा रही है, साल का कितना हो गया? 1200 करोड़। सीएसआर ऑब्लिगेशन आई एक साल में 100 करोड़ की, कितने की आई भाई? अगर मैं कंपनी ये सोचेगी कि ये 100 करोड़ कहाँ लगाना है, ये सारा 100 करोड़ खुद से ही लगाएगी, अगले साल तो वो इंसॉल्वेंट ही हो जाएगी, क्योंकि बाकी काम करने का टाइम कहाँ जाएगा? ध्यान से देखो, मान लो मेरी मेरी जो ऑब्लिगेशन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट की है, और अगर मैं सारी ऑब्लिगेशन खुद ही देख रही हूँ कहाँ लगाना, पैसा जाग जाके लगा रही हूँ, खुद ही सब कुछ बना रही हूँ, पार्क मेंटेन करूँ, डस्टबिन मेंटेन करूँ, भाई मैं काम कहाँ से करूंगी? यस और नो? नेहा इधर देखो, उठा लिया उसने, यस और नो? तो क्या मेरे बच्चे, लॉ कहता है या तो तुम खुद सीएसआर एक्टिविटी कर लो, या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी या रजिस्टर्ड सोसाइटी के थ्रू कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी ना जिसके थ्रू तुम कर रहे हो, उसे रजिस्टर होना पड़ेगा। उसे क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर बाय फाइलिंग फॉर्म CSR 1, बाय फाइलिंग फॉर्म CSR 1। लिखें इस बात को थोड़ा सा, पेजेस है पेजेस, पेजेस है पेजेस, पेजेस नो नो यहां नहीं आएगा बच्चे, एक एक पेज खाली नहीं है तुम्हारी बुक का, आगे आगे फर्स्ट करो, फर्स्ट निकालो। हाँ ये देखो खाली तो पड़े हैं ये, हाँ यहां लिख लो, बुक में ही लिखो, पर बुक में ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स कैन बी अंडरटेकन थ्रू एसएस लिया तो पाप चढ़ेगा, देख लेना। एसएस नहीं लेना यार, लिख लो यार, तुमने शुरू में कहा था तुम मुझसे लॉयल रहोगे, अब इफ बट उन्हें स्टार्ट हो गए तुमसे, बताओ तुमसे मैंने मांगा ही क्या है, तुम्हारी लॉयलिटी तुम वो नहीं दे सकते मुझे, कब तक चलेगा? देखो इंप्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स कैन बी अंडरटेकन थ्रू, या तो कंपनी खुद ही कर ले, यस और नो? इटसेल्फ बाय कंपनी, या मेरे बच्चे सेक्शन 8 कंपनी। देखो ट्रस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, याद है नहीं याद? ट्रस्ट दो टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट ट्रस्ट एक पब्लिक, प्राइवेट ट्रस्ट तो नहीं इसमें आएगा ना, पब्लिक ही आएगा ना। और रजिस्टर्ड सोसाइटी Established by company, फिर ये तीनों as it is यहां लिखना, और लिखना established by government, पांच है यार ये ना, दो और है, दो और है, यहां लिख रहे हो तुम, लिख लेना any entity Established under Act of Parliament and Section 8 Company, Registered Public Trust, Registered Society having
ट्रैक रिकॉर्ड अभी सारा समझाऊंगी मैम. बच्चे ऑफ एट लीस्ट 3 ईयर्स इन सिमिलर एक्टिविटीज. सारा समझाऊंगी मेरे बच्चे. मेरे बच्चे देखो आपको राइटिंग सेशन की ना इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मेल पे आ गई होगी आपको, एक बार चेक कर लो. नहीं आई तो भी मैं आपको जाके सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर दूंगी, टेंशन मत लो तुम. चले आओ, ये ना बहुत ज़रूरी समझना. देखो रिवीजन में ना ये बात कोई नहीं बताता, ट्रस्ट मी ऑन दिस. रिवीजन में बट आई गेस मुझे ऐसा लगा कि शायद से आ सकता है एग्जाम में. ठीक है आइए बच्चे, अभी शुरू तो हुई नहीं क्लास, हद हो गई. अभी तो मैं आई हूँ, ख़त्म कब होगी, ख़त्म कब होगी. मुझे एक बात तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई या तो तू CSR अकेले कर ले, या तो तू CSR अकेले कर ले या इनके साथ मिलके कर ले. यही कह रहा है ना लो, या तो तू CS क्या कर ले, CS नहीं सॉरी CSR, या तो तू CSR अकेले कर ले या इनके. अब ये कौन है, देखो सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड ट्रस्ट रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये तो कॉमन है ना. या तो मान लो ऐसी सेक्शन 8 कंपनी जिसको तूने बनाया है उसके थ्रू कर ले, या ऐसी सेक्शन 8 कंपनी जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है उसके थ्रू कर ले, या ऐसी सेक्शन 8 कंपनी जो पिछले 3 साल से बनी हुई है उसके थ्रू कर ले, या किसी ऐसी एंटिटी के थ्रू कर ले जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई है. समझ आया कि नहीं आया. दोबारा 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 लॉ क्या बोलता है, या तो CS तू क्या कर ले, तुम्हें नहीं किसी की जरूरत, तो तुम खुद कर लो भाई, तुम खुद कर लो. पर अगर इनके अगर करना है तो हर किसी के साथ मिलकर करना है, इनके साथ मिलकर करना है, करो ना इनके साथ. अब ये कौन है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी, या तो तुमने बनाई है या गवर्नमेंट ने बनाई है, या पिछले 3 साल हो गए उन्हें बने बने को, या चौथा किसी ऐसी एंटिटी जो किस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने बनाई है. इन चारों में से किसी के साथ भी मिलकर तुम क्या कर सकते हो, CSR. अगर इन चारों को CSR करना है, क्या इन चारों को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म जाएगा, CSR 1, कौन सा फॉर्म जाएगा, CSR 1. क्या कुछ मुश्किल है बता दो. अब लॉ में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप CSR एक्टिविटी अकेले करोगे किसी किसी के थ्रू मिलकर करोगे. देखो आज खड़े हो जाओ, आज गरबा करते हैं, चलो आओ, चलो बुक्स रख दो यार, हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. बताओ मुझे लग रहा है किसी को इनविटेशन और देना पड़ेगा खड़े होने के लिए, है ना. रख नलायक रखो हर्षित किताब. चलो देखो, या तो अकेले, अरे करो यार दो गई कोई दिक्कत नहीं, घूम घूम जाओ यार दया की तरह, बहुत पागल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं. या तो अकेले, या रजिस्टर्ड ट्रस्ट रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी. अच्छा रजिस्टर कौन कौन रजिस्टर कर रहे है, या तो तुम खुद, या तो गवर्नमेंट, या पिछले 3 साल हो गए उसे सिमिलर एक्टिविटी में. मतलब अगर मैं किसी के थ्रू हंगर रिडक्शन का प्रोग्राम चला रही हूं तो उसको पिछले 3 साल हो गए वो इसी काम में एंगेज है, समझ गए. या फिर कोई एंटिटी जो कि किसने सेटअप है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय एक्ट ऑफ, भाई हद होगी, तो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते क्या, कमाल होगी तुम्हारी, हद होगी. चलो दोबारा आओ दोबारा, या तो कंपनी खुद कर ले, या तो कंपनी खुद कर ले, या थ्रू रजिस्टर्ड ट्रस्ट रजिस्टर्ड सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी. अच्छा बनाई किसने हो, या तो ये तीनों गवर्नमेंट ने बनाई हो, या कंपनी ने बनाई हो, या इन तीनों का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, और चौथा कौन सा एंटिटी एस्टैब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, ए हेलो, हाँ हेलो होता ना हेलो. ठीक है, अच्छा अगर कंपनी को खुद करना है तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन कोई फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है, पर अगर इन चारों के साथ मिलकर करना है, ये चार कौन सी है पता चल गया ना, कौन सी है नेहा, हाँ हाँ किसने खुद बनाई है, कंपनी ने. देखो मेरे बच्चे 3 है,
रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी और रजिस्टर्ड सोसाइटी, या तो ये तीनों कंपनी ने खुद बनाई है, या तीनों गवर्नमेंट ने बनाई है, या तीनों का पास रिकॉर्ड है, ठीक है। और चौथा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वाला, सॉरी मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाला, इनको क्या फाइल करना है ब्रो, क्या फाइल करना है? CSR1। ओके चलो, ये होती है मेरे बच्चे, ये चारों होती है एलिजिबल एंटिटीज। ये चारों कौन सी होती है? एलिजिबल एंटिटीज। तुमने ऐसे बनाया होगा ना, एक यहां पे कंपनी लिखा होगा और ये चार होंगी, ऐसी है ना, इन चारों के नीचे लिख लो एलिजिबल एंटिटीज। एलिजिबल एंटिटीज, अगर इनको मेरे बच्चे एलिजिबल एंटिटीज इंटेंड्स टू अंडरटेक एनी CSR एक्टिविटी, तो इनको क्या करना पड़ेगा? शेल रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फाइलिंग CSR1, ठीक है। अभिषेक हद हो गई, मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूं? गरबे की रील बना के इंस्टा पे डाल दूं, इस मैसेज कर हद हो गई, डालती हूँ, चलो घर जाके डालती हूँ, कट करके ना क्लिप डाल देंगे। डन डना डन कहते हैं हमको। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, छुट्टी कर दो, लंच करना है, करते हैं छुट्टी। इस बात पे तुम्हारी वैसी छुट्टी हो जानी चाहिए, चलो इंपॉर्टेंट वर्क है, लंच करना है। हाँ मिक्की, मिनिमम कंट्रीब्यूशन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेक टुवर्ड्स CSR। तो मिक्की ना लगो, तुम मिक्की पे फोकस कर रहे हो, मिक्की के सवाल पे फोकस नहीं कर रहे हो। इंपोर्ट मिनिमम कंट्रीब्यूशन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेक टुवर्ड्स CSR। हाय बच्चे 2% रजे यार, तुम मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, कोलैबोरेशन, यू नो कोलैबोरेशन, मैरिज इज व्हाट? अ कोलैबोरेशन। मैरिज इज अ कोलैबोरेशन, फ्रेंडशिप इज अ कोलैबोरेशन, यस और नो? इंस्टाग्राम पे देखा कोलैबोरेट करते हैं ब्रांड्स, भाई उनसे फर्क पड़े या ना पड़े, बट दिस फेस वॉश इज वेरी इफेक्टिव। देखा तुमने? नहीं देखा भाई, बाल आ गए मेरे भी, मेरे मैंने वो ट्राई 100 बार कर लिए, मेरे तो आए नहीं। इधर देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, कोलैबोरेशन की बात करते हैं, क्या हो सकता है? रलाई मुक्कू मेरे पास आए कि शिवानी मैम सुनो, मेरे कहा सुना जल्दी टाइम नहीं है, कहता मैम क्यों ना हम दोनों मिलकर CSR एक्टिविटी कर ले। कहता आप रिलायंस का नाम अगर गोलमो के साथ जुड़ेगा तो रिलायंस की भी तो शोभा बनेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोलैबोरेशन हो सकती है क्या? हेलो हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय गोलमो एंड रिलायंस, तुम अपना अपना ही सोचो, सेल्फिश लोग, हो सकती है नहीं हो सकती? फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, यस यस यस, नो नो, यस यस यस, नो नो, यस यस यस, नो, हो सकती है, बट यू शुड बी क्लियर कि इतने पैसे तेरे, इतने पैसे मेरे, ये कमिटी तेरी, ये कमिटी मेरी, मेरे पैसे की अलग प्रोग्रेस, तेरे पैसे की अलग प्रोग्रेस। क्या कोलैबोरेशन हो सकती है? बिल्कुल, बट आपके माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपका कितना पैसा लगा, उनका कितना पैसा लगा, क्लियर है? लिखवा दूं? आओ अब मैं बता रही हूं, आ जाओ फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, अच्छा कल ही मैंने पुलाव खाया, आज ख्याली पुलाव खाने का मन कर रहा है, चल आओ। मेरी मम्मी ने भी घर से वही बना के भेजे, मैं भी वेट कर रही हूं, पर यार क्लास तो जरूरी है ना यार, आओ। ओ कोलैबोरेशन ऑफ अदर कंपनीज फॉर CSR एक्सपेंडिचर,
ठीक है मेरे बच्चे, लिखिए, अ कंपनी मे ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज इन सच अ मैनर दैट द CSR कमिटी ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज आर इन पोजिशन टू रिपोर्ट सेपरेटली ऑन सच प्रोजेक्ट. ठीक है बच्चे, चले क्या हम आगे चल सकते हैं, क्या हम चल सकते हैं आगे, यस और नो? चलो तुषार लिख के फोटो भेज दो. गौतम चलो, यहां तक क्लियर है, आगे चलो. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अनस्पेंड अमाउंट है, अगर कौन सा अमाउंट है अनस्पेंड, दो केसेस बनते हैं, कौन से, या तो नॉट ऑन गोइंग, या तो ऑन गोइंग, या तो नॉट ऑन गोइंग. ऑन गोइंग है तो जैसे फाइनेंशियल खत्म हुआ 30 दिन के अंदर बैंक अनस्पेंड बैंक अकाउंट में 3 साल के अंदर वहां पड़ा रहेगा. 3 साल भी अगर वो नहीं लगा तो 3 साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर शेड्यूल 7 फंड में. और अगर वो नॉट ऑन गोइंग है तो 6 महीने, जैसे मतलब फाइनेंशियल खत्म होने के 6 महीने के अंदर शेड्यूल 7 के फंड्स में. ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कौन सा होता है भाई, मतलब फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर शुरू हुआ उससे अगले 3 साल में क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, है ना. अच्छा, ऑन गोइंग की हर किस किस कंपनी को, किस किस कंपनी को CSR करना है ब्रो? नेट, एवरी कंपनी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा पिछले फाइनेंशियल ईयर में. एक बार तुमने दिल लगा लिया तो क्या अगले 3 साल तक लगा के रखना पड़ेगा? अगले 3 साल तक ऑप्शंस क्लोज है अगले 3 साल तक. अच्छा, उसके बाद कमिटी, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 3 और मोर डायरेक्टर वन शेल बी इंडिपेंडेंट, नहीं है तो 2 और मोर डायरेक्टर प्राइवेट है तो 2 और मोर डायरेक्टर, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 2 मेंबर, एक इंडिया का एक बाहर का. हर केस में CSR कमेटी बनेगी क्या? पागल हो क्या? जब एक्सपेंडिचर 50 लाख है उससे ज्यादा होगा. और CSR कमेटी करेगी क्या? CSR पॉलिसी बनाएगी, एक्सपेंडिचर कितना है वो फ्रेम करेगी और मॉनिटर करेगी, है ना, याद है ना, शादी के फंक्शन, शादी का खर्चा और उसके बाद मॉनिटर. उसके बाद कौन कौन सी एक्टिविटी CSR में नहीं आएंगी? एरोप्लेन पे गए हो, नहीं आएगा. केजू को काजू कतली, नहीं आएगा. 10 रुपए पे गोलगप्पे फ्री, नहीं आएगा. और किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन किसी और की. अच्छा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, मतलब तू रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है और नाम तू किसी और का दे रही है, ये भी नहीं होगा. और इंप्लॉय के लिए तुम काम कर रहे हो, हाँ हमसे चला की तो भी CSR नहीं होगा. अच्छा, या तो CSR अकेले करो, या तो अकेले करो या इनके थ्रू. अच्छा, ये कौन सी है? सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी. या तो तुमने बनाई है या गवर्नमेंट ने बनाई है, पिछले 3 साल से बनी हुई है, या स्टैट्यूटरी कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिशमेंट अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. अभी 4 है एलिजिबल एंटिटी. CSR 1 फाइल करना है, हाँ या ना? काइंड में कर सकते हो, नहीं. कोलैबोरेट कर सकते हो, बिल्कुल. सानू की इंपैक्ट असेसमेंट हर प्रोजेक्ट का, या लास्ट 3 इयर्स में जो तुम्हारा एवरेज एक्सपेंडिचर आ रहा है वो 10 करोड़ आ रहा है, और किस प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट पे 1 करोड़ से ज्यादा लगा है और जिसको 1 साल हो गए कंप्लीट. रुक तो जाओ, CSR पॉलिसी की वेबसाइट में डिस्क्लोज करोगे क्या? बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करोगे क्या? जो आप पॉलिसी अनस्पेंड अमाउंट जितना रह गया उसका रीजन भी बोर्ड रिपोर्ट में आएगा? अच्छा, अगर अमाउंट ज्यादा दे दिया क्या 3 साल के अंदर आएगा? सेट ऑफ कर सकते हो, हाँ या ना? पक्का पक्का.
इतना ही है ना, चले फिर हो गया ना सीएसआर क्या मेरे बच्चे, पनिशमेंट छोड़ो। सेक्शन कौन सा ब्रो, सेक्शन सेक्शन रूल्स कंपनी सीएसआर रूल्स 2014 ओके क्लियर 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 क्लियर। रुक तो जाओ ये भाई, छोटे छोटे बच्चों वाली आदतें हैं भाई तुम में। अब मेरे को बताओ यूट्यूब वाले बच्चों, दिमाग में क्लियर या दिमाग से क्लियर? और तुम पक्का वक्का ना, अब तो बोलना ही पड़ेगा तुम्हें। चलो चले फिर। अच्छा मैं बता रही हूं, 16 को हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मैराथन है, ये खबर आग की तरह फैल जानी चाहिए। अगर ना फैली तो तुम्हारा फायदा ही क्या हुआ मुझे बताओ, यस और नो? इतने होशियार बच्चे, इतने क्यूट बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, खूबसूरत बच्चे, हाँ दिल के इतने साफ बच्चे, यू गाइज आर सो ब्यूटिफुल, सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलेक्ट, ठीक है, तुम्हारा फायदा क्या हुआ मुझे अगर ये खबर आग की तरह नहीं फैली? फैला दोगे पक्का, इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक भाई पर्चिया बना के दो अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को डीएम करो, समझ गए? चलो ओके, मेहनत मेहनत रिजल्ट छुट्टी ओके मेरे बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी वी विल मीट टुमारो। कल कौन सा चैप्टर होगा यार, एक बार शेड्यूल में देख लेना कौन सा लिखा है। ऑर्डर ऑर्डर को एक बार लास्ट में कर देते हैं बिकॉज वो तो करवाया हुआ है ना तुम्हें, हाँ डिविडेंड कर लेते हैं, डिविडेंड है ना, डिविडेंड डिविडेंड। सुनाओ बच्चे रिया, सुनाओ 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 सुनाओ, ज्यादा तारीफ हो गई, ज्यादा तारीफ नहीं झूठी तारीफ। चलो चले फिर अलविदा, चलो दुआओं में याद रखना, बाय। नहीं नहीं, अरे कल साढ़े, रुक जाओ कल 12:30 नहीं है ना लायको, कल 11 बजे ही है, 11 बजे है कल, ठीक है 11 बजे 11 बजे 11 बजे 11 बजे 11 बजे 11 बजे, बाय बच्चे, बाय बाय बाय। हाँ जी कल डिविडेंड डिविडेंड, अच्छी लगे क्लास तो कमेंट वगैरह कर दिया करो। चलो बाय, अब चलती हूँ मैं।